गाने से तीन फायदे क्या? एक पहला फायदा तो यह है कि आप ताली बजाओगे तो आपके रोग मिट जाएंगे। दूसरा फायदा यह है कि आपका मन जो विचलित तो हो रहा होगा वो ठाकुर जी की कथा में, राम जी की कथा में लग जाएगा। और तीसरा फायदा सबसे बढ़िया यह है कि यह लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दें, सीताराम 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 गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, गौ माता की, श्री बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, सब संतन की,
भूदेव ब्राह्मणों की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नगरवासी छतारी वासियों की, बुलंद शहर नामक सभी क्षेत्र वासियों की, भारत भूमि की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान आ करुणा वरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु सरकार, जिनके कृपामय स्वभाव के कारण समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल, दीन वत्सल, दयालु दीनानाथ दामोदर भगवान श्री राघव सरकार के पाद कमलों को बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा के बढ़िया रसिक और सबसे बढ़िया श्रोता अगर कोई है तो वो एक ही हैं, मम इष्ट देव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के भी पाद कमलों को बारंबार प्रणाम करते हैं। बागेश्वर धाम श्री बालाजी महाराज को प्रणाम, पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम, साधु मंडली को बारंबार प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, इस भूमि नगर को प्रणाम, इस तपोस्थली को प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना, अपना आशीर्वाद इस दास पर देवें और किसी न किसी रूप में हे भगवान विराजमान होकर के कृतार्थ करवें। गौ माता को प्रणाम करते हैं बारंबार, एवं जितने भाई श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान हैं अथवा आने वाले हैं, या विज्ञान का सहारा लेकर के संस्कार टीवी के माध्यम से, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से कथा को घर बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जो जुग पा। सबको श्री सीताराम में मान करके बारंबार प्रणाम, बोलो सीताराम, बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। आज बड़ा ही अद्भुत शुभ क्षण है, श्री राघव जी की बड़ी दया है, ठाकुर जी की बड़ी दया है, उनके कृपा के प्रभाव के कारण ही उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा बुलंदशहर के नज़दीक छतारी में श्री राम जी की पावन मंगलमयी गाथा प्रारंभ हो रही। इसमें निमित्त मात्र भगवत प्रेरणा से हमारा परम स्नेही परिवार श्री बनवारी लाल शर्मा जी और इनके पुत्र, इनके द्वारा अद्भुत यह महोत्सव इस पावन धरा पर प्रारंभ निमित्त मात्र यजमान बनकर के करवाया जा रहा। निश्चित रूप से श्री हनुमान जी महाराज की इन पर बड़ी दया है, तब तो राम चर्चा यहां प्रारंभ हो रही है। देखो भाई, राम कथा के लिए सबसे बढ़िया कोई श्रोता पूछे कि राम कथा कौन सुनते हैं सबसे ज्यादा, तो राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अगर कोई भैया कथा सुनने वाला है तो वो हनुमान जी है, हम आप तो बड़े विचित्र आदमी हैं, 2 मिनट बैठेंगे पर घरवाई याद आ जाएगी, घर याद आ जाएगा, कहीं पत्नी याद आ जाएगी, कहीं वो संपत्ति याद आ जाएगी, मकान याद आ जाएगा, कोई चोरी ना ले जाए, महाराज तुम्हें नहीं दे जाना है, तुम तो राम राम सीताराम गवार है, तब तक चोरी है जाएगी, हम बर्बाद है जाएंगे। तो हम तो दो मुइयां, हम आप तो दो मुइयां सांप हैं, पर राम जी की कथा अगर कोई बढ़िया सुनता
तो श्रीमान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी सुनते, जो कथा के पहले आ जाते हैं और कथा के बाद जाते हैं। तो इससे यह निश्चित होता कि शर्मा जी के परिवार पर श्री राम जी की और हनुमान जी की बड़ी दया है, वरना हमने भी नहीं देखो तो कहां भैया जो छतारी है, कहां बुलंद शहर है। अपने राम जी भी पहली बार आए और नगर में जब अभी कलश यात्रा हो रही थी, अरे वाह, कुंज गलियां, छोटी छोटी गलियां, और कुंज गली में खूब आनंद आया। महाराज जी हमें चर्चा कर रहे थे, कुंज गली जैसा आनंद आया, लेकिन अद्भुत लगा। तो बड़ी दया है श्री राम जी की। देखो भैया, बुरा मत मानना, आपके ऊपर राम जी की बड़ी दया हुई, हनुमान जी की बड़ी दया हुई, तब जीवन में आप एक बार भगवत चर्चा सुनने के पात्र बने। जन्म जन्मांतर कृतानिचा, युग युगांतर कृतानिचा। महापुरुष कहते हैं भैया, जब जन्म जन्मों के, युगों युगों के पुण्य उदय होते हैं, इकट्ठे होते हैं, अब वो इकट्ठे होकर के हमारे जीवन में आते हैं, तब भगवान श्री राम जी की गाथा एक बार सुनने का अवसर प्राप्त होता है। पहली बात तो बड़ा भाग्य यह है, बड़े भाग्य मानुष तनु सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़ा भाग्य तो यह कि आप मनुष्य बने। अच्छा, बने होते कुत्ता तो भौंकते रहते कहीं, पशु बने होते, मान लीजिए घोड़ा बने होते तो काऊ रथ में निवे होते, कहीं नाच रहे होते। हाँ जी या ना जी, पर धन है हनुमान जी की दया, आप धन है कि आप मानव बने। भगवान ने दो ठैया आंखें दई, दो कान दई, नाक दई, जिवा दई, दो हाथ दई, दो पांव दई। कितनी बड़ी दया भगवान ने आप पे कर दई कि 84 लाख योनियों में आपको मनुष्य बना दिया। बने होते कुत्ता तो भौंकते रहते, कहीं इस दरवाजे पर, कहीं उस दरवाजे पर, बोलो सीताराम। तो बड़ी दया कि आप जो है मनुष्य बने, और मनुष्य बनकर के भगवान ने पूरे अंग दिए, ये सौभाग्य है। हाँ जी या ना जी। अच्छा ठीक है, बात यहीं नहीं रुकती, दूसरा सौभाग्य देखिए। पहला सौभाग्य तो है कि 84 लाख योनियों में मानुष तन मिला। दूसरा सौभाग्य यह है, 222 देश हैं पूरी दुनिया में, लगभग ऊपर नीचे भी हो सकता, क्योंकि हमारी नॉलेज एकदम गड़बड़ है, पढ़े लिखे नहीं, ऊंठा छाप है। तो पूरी दुनिया में लगभग 215 से 222 देश हैं, लेकिन आपको 84 लाख योनियों में मानुष तन मिला और पूरी दुनिया में भारत जैसा वतन मिला, यह भी परम सौभाग्य है। अब आप चाइना में होते तो चिंगचोंग चाइंगचोंग करते होते हैं, शायद अगर आप चाइना में पैदा हो गए होते कहीं तो मिचकी मिचकी सी आंखें, छोटी छोटी सी, अब फिर रहे होते चिंगचोंग चाइंगचोंग चमचम तो कर रहे होते। क्या आप राम कथा सुन पाते, राम कथा के अधिकारी बन पाते, यहां बैठ करके ऐसी भगवत चर्चा क्या कर पाते? क्या आपको लगता चलो भाई गड़ा वाले महाराज आए, चलो भाई कथा हो जाए, बड़ी बागेश्वर वाले महाराज आए, चलो सुन लेते हैं राम कथा? असंभव। तो 84 लाख योनियों में मानुष तन मिला और लगभग 222 देशों में भारत वतन मिला, ये बड़ा सौभाग्य है। तीसरा सौभाग्य देखिए, धर्म तो एक ही है पर पंथ अनेक है। धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं महाराज, बाकी पंथ अनेक हैं। अनेक पंथों में आपको सनातन धर्म में जन्म मिला और हिंदुस्तान में हिंदू के घर में जन्म मिला, इससे बड़ा भला क्या सौभाग्य हो सकता है। अब भैया ये तीन तीन चार चार सौभाग्य पाकर के भी तुम राम कथा ना सुन पाओ, भगवत चर्चा ना कर पाओ, भगवत कथा ना सुन पाओ, तो हम आपसे बढ़कर के इस संसार में कोई अभागा नहीं है। क्यों? इतनी बढ़िया व्यवस्था राम जी ने कर दी, आपको कुछ नहीं करना, बैठ जाना है, कथाकार अपने आप सुनाएंगे। बोलने वाले को तो बड़ी दिक्कत, गला ठीक रखना, माइक बढ़िया रहे,
कहीं गलत ना बोल दें। वक्ता को तो बड़ा सावधानी रखना पड़ता है, श्रोता को कोई सावधानी नहीं। आओ बैठो, बिना टिकट कटाए बैठ जाओ। हाँ, भोजन पानी मिले तो वो ऊपर से खाओ, अच्छी कथा ना लगे सो बाहर जाके घर आओ ले। इससे बढ़िया सुविधाएं भला क्या हो सकती है। धन्य है राम जी की सुविधा। तो आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त हुई, आओ भगवत चर्चा सुनो। अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी भैया, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, लेकिन मगर ये करे असर धीरे धीरे। राम जी की कथा बली बड़ी कल्याणकारी है भैया, लेकिन धीरे धीरे असर करती। तुम सोचो हम एक दिन कथा सुने वो तर जाए। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर बरत निशान। बार बार अभ्यास करो, बार बार भगवत चर्चा सुनो तो होगा का भैया। जब बार बार ठाकुर जी की कथा राम जी की कथा सुनोगे तो उन राम जी से हमें प्रेम हो जाएगा, वो राम जी हमारे चित्त में चिपक जाएंगे। बड़ी गलत गड़बड़ बात यह है श्रीमान, हम संसार को तो मानते हैं दिल से, परमात्मा को पूजते दिमाग से। संसार, अरे महाराज ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं। भैया सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सारथ लाग करहीं सब प्रीति। कौ काऊ को लैया भैया, जितने जने ये बैठे बैठे सुन रहे हैं या तुम्हार मिलने के लिए तरस रहे हैं, कल के तुम मर जाओगे यही तुम्हें फूंक देंगे घर मर घटा में, शमशान में जाके आग छिपा देंगे। हाँ जी अना जी, आग लगाने तक नहीं रुकेंगे श्रीमान, आग लगाने के साथ साथ तुम्हें बालने के साथ साथ जलाने के साथ साथ दुई लोटा पानी डाल के सपरेंगे। काहे सपरेंगे, ये भूत बन के ना लग जाए। ले भैया ये भूत बन के ना लग जाए, जो जीवन भर चिबकने को तरसते रहे जीवन भर, अरे कैसे हो आओ आओ गले लगते हैं, जो गले लगाते रहे मरने के बाद, यही लोग भैया मरने के बाद जलाने के बाद नहाएंगे कि कहीं भूत लग के चिबक ना जाए। ध्यान रखिएगा, कोई किसी का नहीं है, जितने भी नाते हैं रिश्ते हैं ये सब स्वार्थवश हैं। अगर कोई इस जगत में अपना है तो केवल हमारे राम जी अपने हैं, केवल श्री सीताराम जी अपने हैं, बाकी जगत में कोई नहीं है। ऐसा पावन, देखो भैया आज से हम 9 दिन तक चर्चा करेंगे श्री राम चरित्र मानस पर। काहे पर? श्री राम चरित्र मानस। महाराज जी रामचरित्र मानस में 3 शब्द हैं, राम चरित्र और मानस। राम अलग हैं, चरित्र अलग हैं, मानस अलग हैं, पर तीनों जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, रामायण हमें सिखाती है, मानस हो तो चरित्र बढ़िया हो, और चरित्र बढ़िया होगा तो राम जी जैसा भाव आ जाएगा और तुम पूजने लगोगे। यही रामचरित्र मानस है हो भैया, यही रामचरित्र मानस है, यही रामचरितमानस है। कैसा? श्रेष्ठ मानव का प्रदर्शन अगर आपने कर लिया, श्रेष्ठ मानव बनकर के दिखा दिया, तो आपकी पूजा निश्चित है राम जी की भांति। लेकिन कब? जब आपका चरित्र बढ़िया लगे, लंगोट ढीला ना रहे, लंगोट मजबूत रहे, तब। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें अपने धर्म पर चलना, परिवार कैसा होना चाहिए ये रामचरित मानस सिखाती। माता से व्यवहार कैसा हो,
पिता से व्यवहार कैसा हो, पत्नी से व्यवहार कैसा हो, गुरु से व्यवहार कैसा हो, यह हमें श्री रामचरित्र मानस सिखाती है। अद्भुत सदग्रंथ है परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस। तो रामचरितमानस कहती पहले हम श्रेष्ठ मानव बने, फिर कहती बढ़िया चरित्रवान बने, इसके बाद राम जी के आदर्श को जीवन में उतारें तो आप पूजे जाएंगे। ये रामचरितमानस सिखा दे। एक बात और गांठ बांध लीजिए भैया, ये जो मनी राम है ना, मन ये बड़ा खतरनाक है। 2 मिनट तो भगवान की कथा में लगेगा, फिर उचट जाएगा, क्योंकि मन को आदत है घूमने की। काहे की ऐसे करो, मन को आदत है घूमने की, यत्र तत्र भागने की, ये मन की आदत है। मन को मारना है, मन को समझाना है, मन की बुद्धि ठिकाने लगानी है, तो भैया आप रामचरितमानस पढ़ो। पढ़ो भर नहीं, पढ़ने के साथ साथ गढ़ो। कैसे? जैसे एक राजा था, राजा के पास में एक बकरी थी। बकरी तो जानते ना, भाषा समझ आ रही। राजा के पास एक बकरी थी, राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने घोषणा की कि जो हमारी बकरी की छुदा तृप्त कर देगा उसे हम 2000 मोहरे देंगे। छुदा माने भूख। अच्छा, बकरी को कितना भी खिलाओ और हरी हरी पत्ती सामने रख दो तो वो मुंह मारे ही देती है। तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े चरवाहे, बड़े बड़े व्यक्ति गए राजा के पास, महाराज एक दिन के लिए बकरी हमें दो, हम उसको तृप्त करके लाएंगे, उसका पेट भर के लाएंगे। अब दिन भर चराए, पत्ती चबावे, चरवावे, न जाने क्या क्या बकरी को। और शाम को राजा बोले हम ऐसे नहीं, लो महाराज पेट भर गया राजन। राजा कहे हम ऐसे नहीं मानेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट कर लीजिए। और जहां राजा ने हरी हरी पत्ती रखी सो बकरी ने चबाना फिर प्रारंभ कर दिया। राजा बोले भैया फेल हो गए। ऐसे हजारों लोग फेल भए। एक साधु थे, बड़े बुद्धिमान महात्मा, वो राजा को बोले महाराज हम तुम्हारी बकरी की छुदा तृप्त कर देंगे पक्का। राजा बोले महाराज आप ठहरे साधु, कहाँ इन झंझटों में पड़ रहे, अपना भजन करो, उसको तृप्त नहीं होना है, वो अब रहने दो। महात्मा बोले नहीं नहीं नहीं, हम तृप्त कर देंगे, गारंटी है। अच्छा ठीक है महाराज ले जाओ। महात्मा ले गए तो पत्ती चबाई नहीं, एक लाठी ली दुई हाथ की। अब बकरी जो पत्ती खाने को जावे सो 4 डंडा धमक दे। अब बकरी थोड़ा देर शांत, अब दूसरी डाली के पास पेड़ के पास जावे तो महात्मा फिर 4 डंडा धमक दे। पूरे दिन रगड़ रगड़ के डंडा मार मार के पतली हालत कर दी बकरी की। शाम हुई, राजन तुम्हारी बकरी पूर्णतया तृप्त है। राजा बोले महाराज आज तो उल्टा दिख रहा, पेट पिचका हुआ दिख रहा, तृप्त होना तो बड़ी विचित्र बात। बोले खिला के दिखा लो, अगर खा ले तो। और जब राजा ने सामने पत्ती रखी और महात्मा ने दुई हाथ का डंडा धीरे धीरे ऐसे हलाया तो जो बकरी खाने वाली थी उल्टा मुंह कर ली, क्योंकि दिन भर की पिटी धरी थी, उसे पता था राजा इस तरफ करे वो इस तरफ मुंह करे, राजा इस तरफ करे वो उस तरफ। महाराज ये हुआ कैसे? बोले ये पत्ती खिलाने से नहीं हुआ, ये डंडा मारने से हुआ है भैया। मतलब ये जो मन है ना, ये मन बड़ा खतरनाक है, इसके अनुरूप काम करोगे तो ये वासना भोग बढ़वाता ही रहेगा, और इसे ज्ञान का, विवेक का और भगवत राम चर्चा का डंडा मारते रहोगे तो ये मन भी एक दिन सुधर जाएगा। तो मन को सुधारना है तो राम चर्चा बहुत जरूरी है, श्री रामचरितमानस जीवन में बहुत जरूरी है। महाराज रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। 7 कांडों में श्री रामचरितमानस का पावन चरित्र है। प्रथम बालकांड, फिर अयोध्या, फिर अरण्यकांड,
इसके बाद किष्कंधा कांड, किष्कंधा कांड के बाद सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड, और लंका कांड के बाद उत्तर कांड। इन सात कांडों में ही श्री राम जी की चर्चा समाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस को जब लिखा तो बाल कांड से प्रारंभ किया। बाल कांड में राम जी की बाल चरित्र हैं, बाल लीलाओं का वर्णन है, लेकिन मंगलाचरण सात श्लोकों में किया महाराज। कितने श्लोकों में? सात श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। आइए हम भी मंगलाचरण करते हैं। पहला मंगलाचरण का श्लोक, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, वर्ण अक्षर अर्थ समूहों की, छंदों की कृपा करने वाली जो भगवती है माँ सरस्वती, वाणी विनायक, माँ सरस्वती के साथ साथ गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। अच्छा एक प्रश्न उठता, सात श्लोकों में ही क्यों मंगलाचरण किया, आठ में कर लेते, छह में कर लेते, क्या दिक्कत थी? भैया सात श्लोकों में गोस्वामी जी ने इसलिए मंगलाचरण किया, सात की बड़ी महिमा है, सात अंक की। सात दिन होते हैं, आठ होते हैं क्या? कितने होते हैं भैया? अगर छतारी वालों के लिए आठ होते हो तो भगवान जाने। दिन भी कितने होते हैं? सात। श्लोक भी कितने हैं मंगलाचरण में, प्रथम कांड में? सात। लोक भी कितने होते? सात लोक नीचे, सात लोक ऊपर, सात लोक ऊपर, सात लोक नीचे। दीप भी है सात, स्वर के सरगम भी है सात, सा रे ग म प ध नी, सरगम भी है सात। महाराज सात की बड़ी महिमा, सात बार क्यों है? सात दिन इसलिए है कि दिन की बड़ी महिमा है, आठ नहीं सात दिन है, काऊ ना काऊ दिन मरना ही है, चाहे मंगल को मरो चाहे बुधवार को मरो, आदमी मरता सात ही दिन में है, इसलिए गोस्वामी जी ने सात मंगलाचरण के श्लोकों के साथ वंदना की है। भैया सात दिन में तुम्हें टपकने ही से एकाद दिन भगवान राम जी की कथा जीवन में उतार लो, तुम्हारा जीना सिद्ध हो जाएगा। अथवा गोस्वामी जी सात श्लोकों में इसलिए मंगलाचरण कर रहे कि सात दिनों में किसी भी दिन रामचरितमानस की चौपाई गाओ, कभी भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में। लोग पूछते महाराज रामायण कब से पढ़नी चाहिए? भैया रात के 2 बजे ध्यान आए तो रामचरितमानस उठाओ, सुबह 4 बजे ध्यान आए तो रामचरितमानस उठाओ, दोपहर 12 बजे ठाकुर जी की राम जी की याद आए तो रामचरितमानस उठाओ। मतलब कहना चाहते सात दिन में कभी भी रामचरितमानस को गा सकते हो, इसलिए सात श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा इसलिए सात श्लोकों में मंगलाचरण किया कि सरगम के स्वर होते साथ रामायण की चौपाइयां किसी भी स्वर में गाओ कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सात श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा सात श्लोकों में इसलिए मंगलाचरण किया कि 12 राशियों में श्री राम भगवान की जो राशि है वो सप्तम राशि है, सातवीं राशि होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने सात श्लोकों में मंगलाचरण किया। और भैया बड़ी बात यह है कि प्रथम श्लोक में ही मंगलाचरण में ही संपूर्ण राम कथा बोल दी गोस्वामी जी ने। क्या? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदे सामपि मंगलानाम चकर्तारो व
वंदे वाणी विनायक। भैया पहला कांड है बाल कांड और इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में ही सातों कांड की कथा समाहित कर दी गोस्वामी जी ने। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड है तो इसी श्लोक में पढ़िए महाराज। वर्णानाम, जो निर्गुण है, निराकार है, वर्णातीत है, भगवान क्षत्रिय वर्ण में पैदा होकर के भी विश्व को जीने की कला सिखाते, इसलिए वर्णा नाम में ही बाल कांड हो जाता। बोलो सीताराम। दूसरा कांड कौन सा है? कौन सा है दूसरा कांड रामायण का? बोलिए। बाकी कछु तो पूरी खावे आए। अरे भैया जरा जो है सनातन धर्म में रामचरितमानस के बारे में तो भाई बोलना ही चाहिए। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। कौन सा? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड कहां है इस श्लोक में? अर्थ संघानाम, यहां पर अयोध्या आ गया। अर्थ संघानाम, सभी अर्थ अयोध्या कांड में है। राम गमनार्थ अयोध्या कांड में है, श्री राम राज्यार्थ की चर्चा अयोध्या कांड में है, राम वन गमनार्थ के साथ साथ भरत राज्यार्थ भी अयोध्या कांड में है, इसलिए अर्थ संघानाम अयोध्या कांड आ गया यहां पर। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। अरण्य कांड कहां है? इसी श्लोक में। रसानाम, रसानाम में है अयोध्या अरण्य कांड। तीसरा कांड कैसे? अमर कोश में रस का अर्थ वीरता होता है। अमर कोश में रस का अर्थ वीरता होता है, वीरता रस का अर्थ है, तो वीरता अरण्य कांड में भगवान दिखा रहे हैं। राम जी अरण्य कांड में वीरता दिखा रहे हैं। कब? खरदूषण को जब भगवान मार रहे और भयानक युद्ध हो रहा, वो चर्चा अरण्य कांड में आई है, इसलिए रसानाम अरण्य कांड हो गया यहां पर। चौथा कांड कौन सा है? किष्किंधा। किष्किंधा कहां पर है? छंद सामपी, छंद साम, छंद साम, यहां पर किष्किंधा कांड हो गया। मतलब क्यों? छंद साम में छंद का अर्थ ही है किष्किंधा। किष्किंधा कांड पढ़िए, खूब छंदों की महिमा है, खूब छंद है, इसलिए छंद साम में किष्किंधा कांड हो गया। पांचवा कांड है सुंदर, और सुंदर कांड कहां पर है इस श्लोक में? अपी। छंद साम में किष्किंधा और अपी, अपी में सुंदर कांड। अपी का मतलब वानर होता है, अपी का मतलब कपी होता है, और कपी हनुमान जी हैं, वो सुंदर कांड में चर्चा आती है। ये पांच कांड हो गए। छठवां लंका कांड। लंका कांड कहां है इस श्लोक में? मंगलानाम। मंगलानाम में लंका कांड छिपा हुआ। कैसे? भगवान रावण को मार करके देवताओं को अभय करते हैं, जगत का मंगल करते हैं भगवान श्री राम जी सरकार, इसलिए मंगला नाम की चर्चा, मंगला नाम से चर्चा लंका कांड की सिद्ध होती है। सातवा कांड कौन सा है? सातवा कांड है उत्तर कांड। उत्तर कांड इस श्लोक में कहा है? चकर्तारौ, चकर्तारौ, चकर्तारौ में उत्तर कांड छिपा महाराज। कैसे? कर्तव्यों का पालन करना ही, और कर्तव्यों का पालन करके राम राज्य भगवान राजा बने हैं उत्तर कांड में। जब संपूर्ण कर्तव्यों का पालन कर दिया और करके इसके बाद राज्य अभिषेक करवाया भगवान ने, मानो राम जी उपदेश देना चाहते हैं कि संसार के सभी कर्तव्य का पालन करके ही विश्राम करो, तब तक विश्राम मत करो, और संपूर्ण उत्तर कांड में दिए, पर कर्ता करके दिए, इसलिए चा करता रहो। चा करता रहू में उत्तर कांड स्पष्ट हुआ। तो इस श्लोक में ही गोस्वामी जी ने सातों कांड समाहित किए, अथवा इसके साथ साथ ये जो श्लोक पहला वाला है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी,
मंगलानां चकर तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस श्लोक में जो आप ये श्लोक गा रहे हैं ये अनुष्टुप छंद है महाराज, संस्कृत में यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है। और वाल्मीकि जी में जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो वाल्मीकि रामायण में भी अनुष्टुप छंद का प्रथम प्रयोग किया और गोस्वामी जी ने भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया। इससे सिद्ध हो गया कि आदि कवि वाल्मीकि जी की जो रामायण है वही श्री रामचरित्र मानस है। दूसरी बात, वाल्मीकि जी ही तुलसी बनकर के आए, ये अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर रहे हैं वाल्मीकि जी। भविष्य पुराण में आया है वाल्मीकि तुलसीदासहा, वाल्मीकि ही तुलसीदासहा, भविष्य पुराण में आया वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बनकर के प्रकट हुए। वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथा मेताम भाषा वध्याम करिष्यति। श्री वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसी बनकर के प्रकट हुए, इसका स्पष्टीकरण किया। कलिकुटिल जीव निस्तार वाल्मीकि तुलसी भयो। जीवों के कल्याण के लिए श्री वाल्मीकि जी ही तुलसी बन करके आए। एक बात और यहां उठती, गोस्वामी जो विद्वान पुरुष होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे, गोस्वामी जी ने अनुष्टुप छंद ही प्रथम में क्यों लिखा, इस मंगलाचरण के श्लोक में क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अनुष्टुप छंद के चारों चरण सम होते हैं। चारों चरण क्या होते हैं? सम होते हैं। और हमारे राम जी भी सम हैं, राम जी भी हमारे सम हैं। सम राम जी की महिमा को स्थापित करने के लिए वाल्मीकि जी ने अनुष्टुप छंद में श्लोक लिखा। इसके लिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट आगे किया, यद्यपि सम नहीं राम नरोसु, यद्यपि सम नहीं राम नरोसु, कहीं न पाप पुण्य गुण दोसु, भगवान सम हैं, राम जी सम हैं। और अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते? 32 वर्ण। महाराज श्री राम जी के भी इसलिए 16-16 वर्णों के साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, 16 वर्ण राम जी के, 16 वर्ण श्री जानकी जी के, इसलिए 32 वर्णों का अनुष्टुप छंद है। और उस मंगलाचरण को इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रारंभ में किया, बोलो प्रातः स्मरण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इस प्रकार प्रथम श्लोक में सुंदर मंगलाचरण आपने किया, मंगला नाम से आपने प्रारंभ करके। गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं, भैया जिन राम जी की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो अद्भुत हैं, उनकी लीला अद्भुत है, उनकी कृपा अद्भुत है, राम जी की लीला बड़ी अद्भुत है। देखो भैया एक बात और, भगवान की महिमा को जानना है तो भगवत चर्चा सुनिए। क्या करिए, क्या करिए भैया? भगवत कथा सुनिए। राम जी की महिमा को जानना है तो राम कथा सुनिए, पढ़िए। केवल सुनिए भर नहीं, जीवन में उतारिए,
सुनना बड़ी बात नहीं है, जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। हम लोग गलती का करत सुनत तो खूब है, ये महाराज की सुन लिए, वह महाराज की सुन लिए, अरे महाराज हम तो 20 ठोक कथा सुन चुके भैया, कछु परिवर्तन भया कछु ना भया, ठटरी के वरे। जीवन में उतारा है ही नहीं, जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। कब तक? जब तक जीवन में उतारोगे नहीं। राम जी कैसे चल रहे, राम जी किस संबंध को किस भांति निभा रहे, आप ये जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते कथा हो गई सियावल रामचंद्र की, जय बोली यो घर गए, आ घर गए तो वही पाप वही झूठ वही कपट वही छल वही छिद्र। और गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, निर्मल मन जैन सो ही पावा, निर्मल मन जैन सो ही पावा, मोही कपट छल छिद्र न पावा, भगवान को वही पा सकता जिसका मन निर्मल हो। का हो भैया? निर्मल, छल कपट से रहे तो हो। हम लोग दो मुइयां सांप हैं ज्यादातर लोग, ज्यादातर लोग दो मुइयां सांप। एक तरफ कहेंगे तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। गाते कि नहीं? गाते हैं ना। अब काऊ को पूछो, भैया ये मकान की का है? ये हमारा है। अभी राम जी के मंदिर में का कह के आए, राम जी आप ही सब कुछ हैं, आप ही धन है, आप ही संपत्ति है। अभी अभी कोई पूछ ले ये गाड़ी किसकी रखी, हटावा हो भैया, ये हमार गाड़ी है, रुक जाइ हम आवत है। अभी राम जी की कह रहे थे, अब अपनी बताने लगे, ये दो मुइयां सांप हो कि नहीं? भैया अगर राम जी का है तो राम जी का है, आपका है तो आपका है, दोनों नाव पे पैर मत रखो। महापुरुष कहते हैं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, और तुलसी कबहु ना रही सके, रति रजनी एक ठाम। जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। भैया राम और काम इकट्ठे नहीं रह सकते। आपसे पूछते क्या सूर और चंद्रमा इकट्ठा रह सकता? ना, सूर और चंद्रमा इकट्ठे नहीं हो सकते ना रह सकते, तो राम और काम भी इकट्ठे नहीं हो सकते। बोलो सीताराम, तो महाराज करें क्या, बाबा बन जाए सब छोड़ दें घर भाई बाल बच्चे? ना भैया, फिर करें क्या, जितने रिश्ते नाते हैं उन संबंधों को निभाओ शरीर से, उनसे खेल खेलो दिमाग से, पर ठाकुर जी से रिश्ता बनाओ, राम जी से रिश्ता बनाओ दिल से, दोनों समझ जाएंगे, दोनों समझ जाएंगे। क्या हो जाएगा, ना घर छोड़ना पड़ेगा ना बाबा बनना पड़ेगा। परिवार के रिश्तों को दिमाग से निभाओ और ठाकुर जी का नाता दिल से निभाओ। जब आप ठाकुर जी का नाता दिल से निभाओगे तो हमारे राम जी दौड़े चले आएंगे। क्या करेंगे? दौड़े चले। अच्छा राम जी आएंगे तो होगा कुछ महाराज? हाँ, जब देखो भाई, संत जीवन में आता है तो बसंत आ जाती है, संत जीवन में आता है तो बसंत आ जाती है, पर राम जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बहार।
नमस्ते आया सावला सरकार हस्ते आई बाहर हस्ते हस्ते आया सावला सरकार हस्ते इसलिए दोनों हाथ उठा करके हरी बोल सब गाइए बना भूप आया परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया रघुवर सरकार हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आई बाहा हस्ते आया सावला सरकार हस्ते हस्ते आया सावला सरकार हस्ते हस्ते दोनों हाथ उठा करके हरी बजाने में पैसा लगता है क्या गाने में पैसा लगता है क्या हाँ जी ना जी जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है दोनों हाथ उठा करके नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया 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 सीत सुहात हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हरी बोल भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया मिथिला सिंगार हंसते हंसते
जब राम जी आपके जीवन में आ जाएंगे तो ऐसा होगा, बहार आवेगी। का आएगी? बहार। ये अनुभव में बांध लीजिए, जब राम जी जीवन में आएंगे तब बहार आएगी भैया। काय की बहार? भक्ति की बहार, संतों की बहार। धारा बहेगी भक्ति की, रस बरसेगा भक्ति का। कब? जब राम जी आएंगे, श्री सीताराम जी आएंगे आपके जीवन में। महाराज तो कर राम जी अभी नहीं है, अभी है तो, पर तुम सो रहे हो, हम आप सो रहे हैं, वो तो अभी भी हैं। बाबा कहते हैं ठाकुर जी, इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम श्लोक में पूरी रामायण समाहित कर दी, पर दूसरे श्लोक में भवानी संकेरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणौ याभ्यां विनानां पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में माँ सरस्वती की वंदना करते, गणेश की वंदना करते, दूसरे मंगलाचरण में भवानी शंकर की वंदना करते, भवानी के साथ भोले बाबा की। एक को श्रद्धा की उपमा देते, एक को विश्वास की उपमा देते। मां पार्वती भवानी श्रद्धा के रूप में है, भोले बाबा विश्वास के रूप में है। काय के रूप में भैया? विश्वास। देखो भैया, श्रद्धा हो विश्वास ना हो तो सब गड़बड़। हाँ जी या ना जी? और विश्वास हो और श्रद्धा ना हो सो सब गड़बड़। मोटरसाइकिल में आगे का पहिया ना हो पीछे का हो तो का चलेगी ना चलेगी? अच्छा पीछे का हो पर आगे का ना हो तो क्या चलेगी? दोनों पहिया चाहिए और दोनों में हवा बराबर चाहिए, तभी एवरेज बढ़िया आएगा और तभी वो हुर्र हुर्र चलेगी। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणौ। भगवान भोले बाबा मां भवानी की हम वंदना करते जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। आगे वंदे बोधिमयम् नित्यम्, तीसरे श्लोक में गुरुम शंकर रूपेणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदेते। पहले गणेश, पहले सरस्वती, गणेश, भोले बाबा और माँ भवानी की वंदना करते हैं। अब पांचवें स्थान पर गुरु जी की वंदना करते हैं। किसकी? वंदे बोध मयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। गुरु जी को मध्य में रखा गोस्वामी जी ने,
सात श्लोकों में नौ लोगों की वंदना की गोस्वामी जी ने, नौ लोगों को प्रणाम किया, पर मध्य में गुरु जी को रखा। बीच में जो श्रेष्ठ होता उसे याद बीच में रखना चाहिए, जो श्रेष्ठ हो उसे बीच में रखना चाहिए। तो गोस्वामी जी मध्य में अपने गुरु जी को रखे। क्यों भैया? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु भूत भावन महेश्वर है, तीनों हैं, इसलिए मध्य में गुरुदेव को रखा। भाई ब्रह्मा जी की स्तुति करो तो ब्रह्मा जी का पता कब खुश होंगे, कब दाढ़ी हलाएंगे। भोले बाबा की स्तुति करो, पता नहीं कब समाधि में बैठ जाए कोई ठिकाना नहीं। और होंगे भी तो केवल भोले बाबा भर की कृपा होगी। ब्रह्मा जी की सेवा करें तो केवल ब्रह्मा जी भर कृपा करेंगे। विष्णु जी की सेवा करेंगे तो केवल विष्णु जी कृपा करेंगे। पर गुरु जी की सेवा करेंगे तो तीनों देव कृपा कर देवेंगे। इसीलिए गुरु जी को मध्य में रखा। लेकिन आजकल ना तो वो गुरु मिल रहे ना वो चेला मिल रहे। कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, वो आप तो नरके चले संग ले जजमान। ऐसे गुरु जी ज्यादा है और चेला भी खतरनाक मिलते। बोले कथा में हमार नाम हो जाए कि हम धर्मात्मा है, चाहे कथा जैसी हो कोई मतलब नहीं। सीताराम तो गुरु भी खतरनाक और चेला और पहले खतरनाक। ऐसे ही एक नालायक चेला हो तो एक गुरु जी को बड़ा विद्वान भाव, भारी विद्वान, विद्वत्ता में बहुत प्रखर हो गया। उसका महाराज नाम बड़ा रोशन हुआ, नाम रोशन हुआ, यहां वहां सब जगह धूम मचा दी। उसने बड़े बड़े शास्त्रियों को हरा दिया। बनारस गया तो बनारस के विद्वानों को हरा दिया। चारों दिशाओं में उसने विद्वत्ता का डंका बजाया। अब देखना आजकल के चेला कितने खतरनाक हो। अब वो आओ गुरु जी से मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया। डंका बज रहे, ढोल नगाड़े बज रहे, किसी ने बताया तुम्हारा चेला है, चारों दिशाओं में विद्वत्ता का डंका बजाकर आ रहा है, कितनी बड़ी बात है। गुरु जी बोले हाँ गर्व की बात है, ये तो अच्छी बात है। चेला आओ, चेला ने प्रणाम करो। गुरु जी बोले आज तूने हमारा हृदय गदगद कर दिया, वाह हम सौभाग्यशाली हैं कि तेरे जैसा चेला हमारा है। दसों दिशाओं में तूने विजय प्राप्त कर ली। बेटा अब तो कोई बचा नहीं शास्त्रार्थ में जीतने के लिए। चेला हाथ जोड़ के बोलो, वैसे तो हम सब हम हराया है, निपटाया है, एक जने ले गए। गुरु जी चौंके, अब कौन सा ऐसा विद्वान बचा? बोले आप ही भर बचे, बाकी सब हम हरा चुके। गुरु जी बोले बताओ भाई, हम आओ चेला हम ही यहां हरा रहो। लल्ले गुरु जी हाथ जोड़ के बोले ऐसे दो चार चेला और मिल जाए तो हम आओ तो जल्दी स्वाहा हो जाए। तो भैया ज्यादातर ऐसे चेला बहुत प्रकट मिले हैं। चेला कम बने हैं, गुरु पहले बने। हाँ ऐसे चेला ज्यादा मिलते हैं। दीक्षा लें टाइम नहीं होगी और बोले हम गुरु जी हो गए। भैया एक बात गांठ बांध लो, बढ़िया चेला बनना है, बढ़िया गुरु जी बनना है तो बढ़िया चेला बनो, बढ़िया ड्राइवर बनना है तो बढ़िया क्लीनर बनो। हाँ बढ़िया पिता बनना है तो सबसे अच्छा पुत्र बनो, बढ़िया गुरु बनना है तो सबसे अच्छा चेला बनो। लेकिन गोस्वामी जी गुरु की बड़ी महिमा लिखते। गोस्वामी तुलसीदास जी तीसरे श्लोक में मंगलाचरण के गुरु जी की वंदना करते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्दिते। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते जो शिव स्वरूप हैं। गुरुदेव हमारे शिव स्वरूप हैं, गोस्वामी जी उनको प्रणाम करते। आगे चौथे श्लोक में मंगलाचरण के। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर
कपीश्वर। चौथे मंगलाचरण में गोस्वामी जी दो लोगों को प्रणाम करते, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर हैं श्री वाल्मीकि जी आदि कवि और कपीश्वर हैं श्री हनुमान जी। गुरु जी को प्रणाम के बाद कवीश्वर कपीश्वर, फिर वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को प्रणाम कर दिया। पांचवें श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम बल्लभा। पांचवें श्लोक में गोस्वामी जी मां जानकी जी को प्रणाम करते हैं। भैया गांठ बांधना रामायण की कथा जहां से प्रारंभ हो रही वो एक स्त्री से प्रारंभ हो रही, वाणी विनायक। पहला श्लोक पढ़िए जिसमें गोस्वामी जी गणेश जी को पहले प्रणाम नहीं कर रहे, वाणी विनायक। वाणी यानी सरस्वती, सरस्वती एक स्त्री है, स्त्री को प्रथम प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में। प्रथम स्त्री को प्रणाम कर रहे हैं महाराज, और आगे भी जिन जिन को प्रणाम किया उसमें अगर उनकी धर्म पत्नी है तो पहले धर्म पत्नी को प्रणाम किया। भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी के साथ है तो भोले बाबा को प्रणाम किया, भवानी संकेरउ, पहले भवानी को प्रणाम किया महाराज। राम जी जानकी जी के साथ हैं, जानकी जी एक स्त्री भी हैं, जगत माता के साथ साथ एक स्त्री भी हैं, तो गोस्वामी जी ने राम जी को बाद में प्रणाम किया। पहले उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वे श्रेयस्करी सीता न तो हम राम बल निभा। जानकी जी को प्रणाम। कई लोग हमसे कहते महाराज गोस्वामी जी तो स्त्रियों के बड़े विरोधी हैं, क्यों? ढोल गवार सूत्र पशु नारी, ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के सुनारी, ढोल गवार सूत्र बसुनारी, ढोल गवार सूत्र बसुनारी, ढोल गवार सूत्र बसुनारी, ढोल गवार सूत्र बसुनारी, ढोल गवार सूत्र बसुनारी सकल तारे चौपाई को लेकर के महाराज गोस्वामी जी इसमें कह रहे ढोल गवार शूद्र, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब जो है ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना माने पीटना होता है ऐसा लोग कहते। अरे भैया अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, पहले तो चौपाई के अर्थ का आप अनर्थ कर रहे हैं। आप कहते ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनको पीटना चाहिए ना, ताड़ना माने पीटना नहीं होता, ताड़ना माने होता है देखना, ताड़े रहो कहीं गड़बड़ ना हुई जाए। हाँ, ताड़े रहो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और गोस्वामी जी अगर स्त्रियों के विरोधी होते तो प्रारंभिक श्लोक स्त्री के लिए नहीं लिखते, सरस्वती मां भी एक स्त्री है, लेकिन लिखते वाणी विनायक। गोस्वामी जी स्त्रियों की बड़ी महिमा बता रहे हैं। तो आपने पांचवें श्लोक में सर्वप्रथम जानकी जी को वंदन किया, फिर यन्मायाव सवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा,
यत सत्वाद मृषेव भांति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमा। पांच में इस छठवें श्लोक में गोस्वामी जी राम जी को वंदना करते, हे सरकार आप समस्त जगत के आधार हैं, आप समस्त जगत की चेतना हैं, आपसे ही समस्त जगत है, आपकी जय हो। सातवें श्लोक में किसी ने पूछा कि आपने नौ लोगों की वंदना की, रामायण लिख रहे हैं पर किस लिए लिख रहे हैं, ये रामायण है क्या? तो सातवें श्लोक में गोस्वामी जी ने रामायण है क्या और किस लिए लिख रहा है इसका उत्तर दिया मंगलाचरण में। निग नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्त्योऽपि। लेकिन किस लिए? शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निविद मति मंजुल मातिनोती भाषा निविद मति मंजुल मातिनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया हम जो ये रामायण रामचरितमानस लिख रहे हैं ये कोई साधारण नहीं। फिर क्या है रामचरितमानस? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। रामचरितमानस सार है। देखो भाई एक बात, क्या वेद पढ़ना सरल है? क्या वेद पढ़ना सरल है? नहीं। आप एक घड़ी संस्कृत की भाषा सीख करके पढ़ सकते हो पर अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। अच्छा संस्कृत आती हो पर अर्थ का अनर्थ कर दो सो गड़बड़। ऐसे एक व्यक्ति था, एक बार उसने एक वेद की पुस्तक खरीदी, था तो बुद्धि का कमजोर, वेद की पुस्तक खरीदी उसने, तो वेद की पुस्तक लेकर के उसने पढ़ा तो चार पांच पेज पढ़ा तो छठवें नंबर के जो पेज था उस पेज के इस तरफ वाले दाहिने अंग के पन्ने के सबसे नीचे की लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। मूर्ख था, ज्ञान से था नहीं, तो इसने तुरंत घोषणा कर दी, सुनो देखो वेद की किताब में लिखा वेद पढ़ना पाप है। अब कई लोग सुने तो चौंक जाए, भाई ऐसा नहीं, झूठ मत बोलो, अरे देखो भाई किताब में लिखा, हम नहीं कह रहे, पुस्तक कह रही पढ़ो। अब पुस्तक पढ़े तो सही में लिखा, अब बड़ा चौंका। बड़े बड़े विद्वान देखा, बोले लिखा तो है, तो बोले अब आज से वेद पढ़ना बंद करो, वेद पढ़ना पाप। एक बड़े अच्छे विद्वान थे, उनको पता लगा तो उसने कहा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर है तो दिखाओ पुस्तक। तो वो किताब लेके पहुंचा, बोले देखो ये लाइन में लिखा वेद पढ़ना पाप है। बोले हाँ लिखा तो है वेद पढ़ना पाप, पर वो बुद्धिमान थे, उन्होंने पन्ने को पलटाया और जहां पन्ने को पलटाया तो आगे का श्लोक लिखा था अशौच अवस्था। अशौच अवस्था में अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, बाकी वेद पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो थोड़ा सा ही पकड़ के रह जाते, बोले देखो ये रह गया, बाकी पूरा पढ़ते ही नहीं। तो इसे कहते अधजल गगरी छलकत जाए। क्या कहते इसे? अधजल गगरी छलकत जाए। भैया इसलिए शास्त्र पढ़ना कठिन है, वेद पढ़ना कठिन है, बड़ा मुश्किल है, पर रामचरितमानस वेदों का सार है। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस मुनि जन धन संतन को सरवस। रामचरितमानस साधारण नहीं है। छह वेद चार पुराण इनका सार श्री रामचरितमानस है। एक बात और नई बात है, बड़ी ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में है क्या क्या? श्लोक, छंद, दोहा,
और चौपाई, चार हैं। हाँ जी या ना जी? श्लोक, छंद, दोहा, सौरठा और चौपाई। छंद का मतलब क्या होता? पहले है छंद। छंद का अर्थ होता जो छह हैं वही छंद है, जो छह हैं वही छंद हैं। पर रामायण में छंद में छह हैं कौन कौन? बोले भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री जानकी जी और हनुमान जी, ये दिव्य राम दरबार ही छह हैं, यही रामायण के छंद हैं। हाँ, यही छंद है, ये छह लोग ही छंद हैं और ये दिव्य राम दरबार ही छह स्वरूप में छंद में है रामचरितमानस में। दूसरा श्लोक, श्लोक क्यों है? श्लोक इसलिए लिखा कि ई लोक में भी काम आवे और परलोक में भी काम आवे, यहां भी काम आए वहां भी काम आए। हम लोग यहां की तो व्यवस्था कर ले पर वहां की नहीं कर, गाड़ी बना ली, बंगला बना, ये किसका है? हमारा है महाराज। कितने करोड़? 200 करोड़ हो गए, 500 करोड़ का आदमी हो गया। यहां की तो बढ़िया व्यवस्था हो गई भाई साहब, वहां कितना भजन हुआ? 0, 0। तो यहां की तो बढ़िया व्यवस्था कर लेते, वहां की नहीं करते। तो इस लोक का अर्थ है इस लोक में भी जो काम आए और परलोक में भी काम आए, वही तो है इस लोक। तीसरा दोहा, दोहा क्या है? दोहा का अर्थ है दो, अर्थात रा और मां, राम जी ही दोहा है। अथवा जीवात्मा और परमात्मा जो मिलकर के एक बन जाए वही दोहा है, इसलिए रामायण में है दोहा। अच्छा चौपाई, चौपाई क्यों होती महाराज? चौपाई में चार पदार्थ होते हैं, चार चरण होते हैं चौपाई के। चौपाई में जब आप पढ़ेंगे तो चार पदार्थ हैं। चौपाई का अर्थ है चार पदार्थ, चौपाई का अर्थ है चार पदार्थ। और वो चार पदार्थ कौन कौन है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, ये चार पदार्थ हैं चौपाई का अर्थ है। क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये जो चार पदार्थ हैं, यह चार पदार्थ चौपाई के सूचक हैं। अब बचा सौरठा, सौरठा का अर्थ है रटना, क्या करना? रटना। और रटना क्या? रामायण नहीं, पुराण नहीं, राम जी का नाम रटना ही सौरठा का अर्थ है। हम लोग अपना पासवर्ड तो रट लेते, मोबाइल नंबर रट लेते, ये पड़ोसन का नंबर है, ये फलाने का, ये ढिकाने का, हाँ। पर भैया राम जी का नाम नहीं रटत, का नहीं करते हैं? राम जी का नाम नहीं रटते हैं तो भैया का होता? दुर्गति होती, दुर्गति। सौरठा का अर्थ है रटना, और रटना क्या है? राम जी के नाम को रटना ही सौरठा का अर्थ है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस में श्लोक, छंद, दोहा, सौरठा और चौपाइयों की महिमा है। एक बात और, रामायण में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी सावधानी पूर्वक श्री रामचरितमानस को लिखा, इतनी सावधानी पूर्वक लिखा, कहना क्या? जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को प्रारंभ किया तो सौरठा से प्रारंभ किया, राम जही सुमरत सिदे हो गणनायक करी बर वदन, रामा करूं अनुग्रह सोए बोते राशी शुभ गुण सदन, रामा। गोस्वामी जी ने सौरठा से प्रारंभ की। क्यों? सौरठा से इसलिए प्रारंभ की, सौरठा का अर्थ है रटना। का रटना? राम जी के नाम को रटना, प्रभु नाम को रटना, भगवान के नाम को रटना,
भैया ये जो श्वास ले रहे इसे वृथा मत खो, काना करो वृथा मत को, श्वास श्वास सिमरण करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना। हम लोग नाम तो जप लेते हैं, कब लोग दिख जाएं कि हम धर्मात्मा है ये मान ले, इसलिए माला ले के लंबी लंबी सांस राम 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 आंख मूंछ करके जपेंगे, दुनिया हमें माने कि हम धर्मात्मा हैं, टीवी में आ जाएं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े वाले पुजारी हैं, जगत को दिखाने के लिए तो खूब रटते पर राम जी को रिझाने के लिए नहीं रटने, यही गड़बड़ हो जाती है। जगत को रिझाने के लिए रट पाओ ना रट पाओ, पर राम जी को रिझाने के लिए रटना प्रारंभ करो राम का नाम। बड़ी प्यारी बात एक महापुरुष गीत में कहते हैं, अरे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। करके अगर मर जाओगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाओगे, साधक कहना टूट जाए नमाला कहीं प्रेम की, टूट जाए नमाला कहीं प्रेम की, टूट जाए भैया राम जी से प्रीति की ये माला ना टूट जाए, अगर टूट गई तो होगा क्या? कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाए, मर जाएंगे वो हमर नाम दुनिया में डर जाएंगे, वो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 वो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सारा हाथ उठा करके हरि बोल,
किधर जाएंगे ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे वो हमर नाम दुनिया में गले जाएंगे नाम लेकर मर जाएंगे वो हमर नाम दुनिया में गले जाएंगे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम गाइए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरि वो और सुन लो कान खोल के छतारी वाले बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे हमर नाम दुनिया में कर जाएंगे नाम लेकर मर जाएंगे वो हमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जी बुलावे तब तो क्यों कंजूसी कर रहे थाना हाथ उठा करके मस्ती में झूमते हुए हरी मर
स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। साधक कहता भैया राम का नाम लेकर जो का होगा मर जाएंगे, तो का होगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बिना राम जी का नाम लिए मर गए तो लोग 13 दिन भर याद रखेंगे, जब तक 13वीं नहीं हो गई। और 13वीं भाई और पूरी खबी और लड़ुआ 13वीं के खबे से साफ भूल गए, कहे चले गए अच्छे आदमी हते, अरे ठीक मर गए हमारे काम में अड़ंगा डालते ठीक मर गए, कुछ ऐसा कहेंगे कुछ ऐसा कहेंगे। आदमी बड़ा खतरनाक है महाराज, बहुत खतरनाक। ऐसे ही एक बार एक आदमी मर गया, मरो आदमी सो गांव के जुड़े आस पास के आदमी बेचारा मर गया मर गया मर गया। तो लोग बागों ने मरघट की तैयारी की, शमशान की लकड़ी बनाई, लिटाया, लिटा करके कंधों पे रखा, सब चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है। एक महात्मा और संत भोले बाबा देख रहे थे, बोले भाई कुछ भी कहो हैं बड़े धर्मात्मा साहब, राम नाम सत्य बोल रहे, ये हमारी पार्टी के हैं। शंकर जी को लगा हमारी पार्टी के हैं साहब राम नाम सत्य बोल, शंकर जी भी पाछे पाछे चल दिए। अब मरघट में जहां शमशान घाट होता है शमशान घाट में पहुंचे तो सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य राम नाम सत्य। अब उस मुर्दा को रखा, आग लगाई तो जो अभी तक राम नाम सत्य कह रहे थे अब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, खुसर पुसर शुरू हुई। तो मैं कब पता लगा ये कब मरा, तो दूसरे ने जवाब दिया, बोले हम तो जा रहे थे दुकान तब तक पप्पू ने बताया फलाना मर गया, दुकान बंद धरी हमें थे आ गए। तीसरे ने तो हद कर दी, तीसरा बोला अरे हमें तो बड़ी आफत, बोले क्यों घर पे काम लगा मकान बन रहा है मजदूर और मिस्त्री बैठे होंगे, तब तक एक जने बोले मर गए, हमने कहा चलो लकड़ी दे आए बताओ। एक ने तो और सीमा पार कर दी, भोले बाबा देख के चौंक गए कि अभी ये कह रहे थे राम नाम सत्य अब ये कह रहे लकड़ी मकान, इन्हें सब याद आने लगा। एक ने तो हद कर दी, चौथा बोला हमारे साथ तो बड़ी विचित्र स्थिति हो, बोले क्यों अरे बोले हम तो ऑफिस जा रहे थे रेडी हो गए थे तैयार साहब सामान वामान रख करके, तब तक पता चला ये मर गया, इसे आज ही मरना था संडे को नहीं मरता, 200 रुपया 500 रुपया छल गए संडे को मर जाता क्या बिगड़ जाता। शंकर जी बोले भाई बताओ अभी तक जो रो रहे थे राम नाम सत्य कह रहे थे सब बदल। पांचवें ने तो और हद कर दी, पांचवा बोला हम तो बड़ी आफत में फंस गए, तो मैं कहा होगा भैया। पांचवा बोला हम जा रहे थे बिजली का बिल भरने, तब तक पत्नी बोली मर गए फलाने, हम तो जा रहे थे बिल भरने जाना था बिल भरने आ गए यहां शमशान घाट, अब बिल कोई भरने आएगा अगली भाई महीने में पेनाल्टी ऊपर से लगेगी। शंकर जी समझ गए ये संसार जो अभी तक राम नाम सत्य कह रहा था ये सब झूठे हैं, ये अपनी अपनी माया मोह में बताने लगे बात करने लगे। शंकर जी मुर्दे से बोले भैया तू राम का नाम लेकर के अगर गया होता तो साधु जरूर तेरे मरघटों पर बैठ करके राम राम जपते और साधु साधु कहते, साधु साधु अगर महात्मा ना भी कहते तो देवता स्वागत करते कि राम का भक्त आया है, इसलिए साधक कहते हैं राम का नाम लेकर जो भैया अरे मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। उसी का नाम अमर होगा जो राम का नाम लेके मरेगा। अच्छा गारंटी है कि तुम 100 साल जियोगे बताओ भैया, हाजी अनाजी ब्रह्मा जी प्रमाण पत्र दिए कि 60 साल जियोगे, हाजी अनाजी नहीं दिए ना, कब मर जाओ कोई ठिकाना नहीं, तो क्या करो श्वास श्वास सुमरन करो वृथा श्वास मत खो, क्यों ना जाने इस श्वास का
आवन होइ न। श्वास श्वास में स्मरण करो, क्या पता कब श्वास छूट जाए, प्राण कट जाए, राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए बार बार हर श्वास में स्मरण करो। इसलिए भैया परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबध मति मंजुल मातनोति। ये राम जी की जो हमने कथा लिखी ये जगत के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। हम लोग सजते भी हैं, संभलते भी हैं तो जगत को दिखाने के लिए। हाँ जी अना जी, लोग हमें बढ़िया कहवे कि हम सुंदर है, हमारी हेयर कटिंग अच्छी है, हमारी बॉडी बढ़िया है, हमारी मूछें बढ़िया है, लोग कहें इसलिए सजते। हाँ जी अना जी, पर भैया महापुरुष कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये रामचरितमानस हमने किसी के लिए नहीं लिखी। किसके लिए? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमने तो केवल अपने सुख के लिए रामचरितमानस लिखी है। दूसरी बात, रामायण में महाराज चार वक्ता हैं। कितने? चार जगह रामायण में, श्री रामचरितमानस में चार जगह राम कथा चली है। एक जगह रामचरितमानस के वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के श्रोता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी का श्रोता है मन। ये प्रथम घाट है, इसमें आया भी है, राम कथा कली काम दिगाई। महाराज इस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और सुना किसको रहे? मन को। दूसरा घाट है, दूसरा घाट में है वक्ता है श्री याज्ञवल्क जी महाराज और श्रोता है भरद्वाज मुनि। याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। और गोस्वामी जी का जो घाट है उस घाट का नाम है शरणागति घाट। तीसरा घाट सुनिए, तीसरा कहां कथा चल रही रामायण में? तीसरी जो कथा चल रही वो कथा चल रही कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जो कथा चल रही उसमें वक्ता कौन है? उसमें वक्ता है भूत भावन महादेव। लेकिन उसका श्रोता कौन है? उसका श्रोता कोई और नहीं, भवानी मां जगदम्बा परम्बा मात भवानी उसकी श्रोता है। लेकिन वो घाट कौन सा है? जो कैलाश पर्वत पर कथा चल रही वो है ज्ञान घाट। वहां पर ज्ञान घाट में राम कथा चल रही है। चौथी कथा सुनिए, चौथी कथा कहां चल रही रामायण में? चौथी कथा चल रही नीलगिरी पर्वत पर। कहां? नीलगिरी पर्वत पर राम कथा चल रही। चार जगह राम कथा हुई रामायण में, चौथी जगह नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत में जो वक्ता है वो बड़े विचित्र हैं, और कोई वहां पर संत महात्मा कथा नहीं कर रहा। जो नीलगिरी पर्वत पर कथा कर रहे हैं वो एक कौवा कर रहा, जिनका नाम है श्री काग भुसुंडी जी महाराज। और इस कथा को कोई और नहीं सुन रहा, इस कथा को पक्षीराज गरुड़ जी सुन रहे हैं, भगवान श्री हरि के वाहन, साक्षात श्री हरि के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पर कथा को सुन रहे हैं। महाराज ये जो चौथा घाट है ना, ये साधारण घाट नहीं है। पक्षीराज गरुड़ जी को नैकट्य दोष लगा। कौन सा दोष? नैकट्य दोष। जब रामचरितमानस में भगवान राम जी को लक्ष्मण जी को नाग पांच में बांध दिया तो नारद जी ने आपको बुलाया, गरुड़ जी को, आप आइए, राम जी नाग पांच में बंध गए, आप उन्हें खोल दीजिए। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने राम जी को लक्ष्मण जी को नाग पांच से तो खोल दिया पर खुद बंध गए। किस में बंध गए? ये ब्रह्म है, ये भगवान है। कैसे ब्रह्म है? खुद नाग पांच में बंध गए। हमारी समझ में ये भगवान भगवान नहीं है, कोई छत्री का लड़का है। हाँ, मन इनका
भ्रमित हो गया, भगवान के ऊपर संदेह कर दिया, तो जो गरुड़ जी हैं वो खुद बंध गए बंधन में, मोह बंधन में। किस बंधन में? मोह बंधन में। इसको कहते हैं महाराज नैकट्य दोष। क्या कहते हैं? नैकट्य दोष। नैकट्य दोष का मतलब होता ज्यादा निकटता में बड़ा दोष देखने लगता व्यक्ति। इसलिए देखो गुरु जी के ज्यादा नजदीक मत रहो, संतों के ज्यादा नजदीक मत रहो, वरना अपराध बन जाएगा। इनकी लीलाएं समझ में आती नहीं। भगवान जो लीला कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? जगत के लिए, हम आपको सिखाने के लिए। पत्नी से कैसा व्यवहार हो, पिता से कैसा व्यवहार हो, नाग पास में बंध जाए तब जो जिसका गुणज्ञ है उसे बुलाओ। क्या राम जी नहीं कर सकते थे? किसी ने राम जी से पूछा, प्रभु भगवान दयालु दाता दीनानाथ, आप तो आपकी लीला परंपार, आप महान, आपकी महिमा तो इतनी प्रबल, इच्छा मात्र से आप प्रलय कर देते। क्या कर देते भगवान? इच्छा मात्र से क्या कर देते? प्रलय। तो क्या भगवान ऊपर बैठे बैठे रावण को नहीं मार सकते थे? जवाब दीजिए, क्या नहीं मार सकते थे? रावण को अच्छा बनाया किसने? किसने बनाया? किसने बनाया? राम जी ने बनाया ना। तो क्या राम जी मार नहीं सकते? फिर भगवान को आने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी ने कहा भगवान से ही पूछते हैं। भगवान से पूछा, प्रभु आपको आने की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान बोले, भैया ना हम रावण का वध करने आए, ना कंस का वध करने आए, पर आए क्यों? भगवान बोले, भैया हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। आप भक्तों के दर्शन करने? अरे प्रभु आपके दर्शन के लिए तो भक्त ललायत रहते। भगवान बोले, हमारे दर्शन के लिए भक्त ललायत रहते और हम अपने भक्तों के दर्शन के लिए ललायत रहते। अच्छा हाँ, बन बन जाकर राघव जी ने दर्शन सबको दिया। प्रभु ने वन में जाकर के सबको दर्शन दिया। तो भैया गरुड़ जी को संदेह उत्पन्न हो गया, क्या ये भगवान है? अब दोष लग गया, बुद्धि खराब हो गई। देखो भैया जब जब, एक बात बुरा मत मानना, गांठ बांध लो, इस बात को नोट कर लो, भगवान की कभी भी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान की क्या नहीं करनी चाहिए? परीक्षा। गुरु की, संत की और भगवंत की, इनकी कभी परीक्षा मत लो, इनकी प्रतीक्षा करो। परीक्षा लोगे तो रामायण में एक ने परीक्षा ली थी, सो नाक कान कट गई थी। किसने? सूपनखा चाची ने, आंटी सूपनखा ने का लिया परीक्षा। का हुई गवा? नाक गायब हो गई और कान गायब हो गया, नक कटु बन गई, जिसे कहते नक कटु। क्यों? क्योंकि भगवान की परीक्षा ली। और रामायण में एक और प्रसंग पढ़िए महाराज, रामायण में एक प्रसंग है प्रतीक्षा का। अरे रामा रामा रटते रटते पीते रे यो भरिया, रामा रामा रटते रटते रे यो भरिया। समझी भैया? रघुकुल नंदन कब
सबरी, प्रतीक्षा किए तो राम जी आए, कैसे सबरी मैया कहती, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन सबरी प्रतीक्षा करती हैं तो भगवान बनाते हैं। हाँ जी अना जी,
तो हम आपको क्या बता रहे थे, भगवान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान की तो भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। परीक्षा लोगे तो सूप नखा जैसी नाक कान कटेगा। हाँ, फिर कान की तो प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी पर नाक की नहीं होती है। अच्छा, कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लो, तौलिया बांध लो, कोई पूछे क्यों भाई, कहो ठंडी लग रही है। पर नाक कट जाए फिर क्या करोगे? ना तो टोपा लगा सकते, ना कपड़ा बांध सकते, नाक कट गई तो नक कटा लगोगे। हाजी अलाजी हाजी, तो भैया नाक मत कटवाओ, कान कट जाए तो दिक्कत नहीं। इसलिए भगवान की परीक्षा मत लो, भगवान की तो प्रतीक्षा करो। रामचरितमानस में गरुड़ जी को संदेह हुआ तो गरुड़ जी संदेह मिटाने के लिए नारद जी से प्रेरणा लेकर के नीलगिरी पर्वत गए। जब नीलगिरी पर्वत गए और राम कथा सुनने के लिए गए, देखो एक बात हो, राम कथा भैया जीवन की कला का टेस्ट है। क्या है? जीवन की कला का टेस्ट है। क्या? राम कथा। राम कथा दर्पण है, हमें कैसे जीना है, हम कितने पानी में हैं, ये राम कथा बताती है। देखो, जब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। संशय तब मिटेगा जब आप बहुत काल तक सत्संग करेंगे। क्या करेंगे? सत्संग, तब आपके मन का जो संशय है वो मिटेगा। गरुड़ जी गए नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पहुंचते ही गरुड़ जी का संशय खत्म हो गया। और कागभुशुंडी जी ने पूछा, भैया क्यों आए आप, क्यों पधारे? तो गरुड़ जी हाथ जोड़कर कहते हैं, सुनो भैया, सुनहू तात जेही कारण आयो, सो सब भयं दर्श पर पायो। जिस कारण से हम आए थे पर वो कारण दर्शन करते ही खत्म हो गया। क्या कारण था? हमें संशय था, राम जी ब्रह्म नहीं, भगवान नहीं, साधारण क्षत्रिय बालक हैं, पर यहां जब आए हमने देखा वो क्षत्रिय नहीं, वो तो ब्रह्म है, केवल केवल नर लीला कर रहे हैं। आहा, क्यों ये संशय खत्म क्यों किया हुआ, क्यों खत्म हुआ इनका संशय? देखी परम पावन तबे आश्रम, देखी परम पावन तबे आश्रम, गयम मोहे संशय पुनीत आश्रम देखकर हमारा भ्रम मिट गया। अब तो भैया गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले कागभूषण जी से, भैया अब तो मन में एक ही प्रार्थना है, क्या? सादर तात सुनाबो मोही, क्या? बार बार बिनवो प्रभु तोही। कागभुशुंडी जी से गरुड़ जी कहते, भैया अब तो वही सुनाओ जिनके प्रति हम संशय उत्पन्न कर चुके थे, उनकी कथा सुनाओ। और कथा सुनने से होता क्या? अरे जय जय राम कथा सुनो भई राम कथा, क्या होता? इसे श्रवण कर मिट जाती है। हाँ,
इसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्रथा। ओ जय जय राम कथा सुनो भई राम कथा। हाँ हाँ ओ जय जय राम कथा सुनो भई राम कथा। सुनने से जन्म जन्म की व्रथा मिट जाती। हम नहीं कहते, ये रामायण कहती भैया। संशय मिट जाता, संदेह मिट जाता। देखो आपने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पर ना करवाओ, एकदम चलात रहो तो का हुई जाएगा, धुआं देने लगेगी, एवरेज गड़बड़ हुई जाएगा। हाजी अनाजी एवरेज गड़बड़ हुई जाएगा, और अगर ज्यादा दिन तक सर्विसिंग ना करवाए तो इंजन सीज हो जाएगा, धुआं दे जाएगी। हाजी अनाजी टाइम टाइम पर अगर आप सर्विसिंग करवाते रहोगे तो क्या होगा, बढ़िया चलेगी भी, कोई झंझट भी नहीं रहेगा, एवरेज भी बढ़िया देगा। उसी प्रकार राम जी की कथा भी, ये शरीर भी एक गाड़ी है, और इस गाड़ी का बीच बीच में एवरेज करवाते रहो 9 दिन, बीच बीच में सर्विसिंग करवाते रहो 9 दिन, बैठकर सर्विसिंग बॉडी की करवा लो, बढ़िया जीवन चलेगा, ना धुआं देगा ना झंझट रहेगा। इसलिए भैया 9 दिन की सर्विसिंग करवाओ। सर्विसिंग कैसे होगी, कुछ नहीं करना, आना बैठ जाना, अपने आप सब होगा, बैठे रहो, सावधान बैठो। लेकिन कैसे बैठो, सावधान होकर के बैठना चाहिए। भगवान की कथा सावधान होकर के सुननी चाहिए, ठाकुर जी की कथा, राम जी की कथा सावधान। देखो भैया एक बात हो, विश्वास हो तभी बैठना, विश्वास हो तो सब कुछ संभव है, और तो दूर की बात। हम तो आज तक रामायण ठीक से पढ़े नहीं भैया, हकीकत है, हम आज तक रामायण ठीक से नहीं पढ़े। जब ये दास राम कथा गा सकता विश्वास के कारण से, और आप भी विश्वास के साथ कथा सुनो तो तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है। हमारे जैसा अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी राम कथा गा सकता प्रभु के विश्वास के कारण, बागेश्वर बालाजी के विश्वास के कारण, तो आप भी विश्वास सहित 9 दिन राम कथा सुनिए, अपनी शरीर रूपी गाड़ी की सर्विसिंग करवा लीजिए। अभी मौका मिला, फ्री में डल रहा आयल, फ्री में सर्विसिंग हो रही है, कुछ नहीं लगना, आओ बैठो, माइक लगा, टीवी लगा, संस्कार से पूरे भारत में घूम रहे बैठे बैठे, तुम्हारे फोटो जा रही है, छतारी वाले फलाने नेताजी हैं राम कथा सुन रहे। तो देखो कितने फायदा, राम कथा सुनने से वायरस भी भाग रहे, भगवत चर्चा भी हो रही, और देश विदेश में फेमस भी फ्री में हो रहे। अब प्राण चाहते हो क्या भगवान के, प्राण चाहते हो क्या भैया, सब फ्री में हो ही रहा, अब प्राण तो नहीं चाहते, तो करो क्या, विश्वास के साथ राम जी की कथा को सुनो। देखो एक बात हो, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज मानस को कैसे पढ़ना चाहिए, रामायण को कैसे, हम कहते रामायण को जैसे बने वैसे पढ़ो, मानस के पढ़ने का कोई नियम नहीं है, जितना समझ आए उतना पढ़ो, जितना आप समझ सको उतना पढ़ो। हमारे महात्मा गांधी बापू जी एक ही चौपाई बोला करते थे, कौन सी, परहित धर्म सहिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महात्मा गांधी बापू जी इस चौपाई को बोलते थे। किसी ने कहा, बापू रामायण में बहुत सी चौपाइयां हैं, आप और भी बोला करो, दूसरी भी बोला करो। महात्मा गांधी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले भैया पहले इसी चौपाई पर तो हम चल लें, इसे जीवन में उतार लें, फिर दूसरी पढ़ें। तो जितना समझ आए उतनी रामचरितमानस को पढ़ो। एक बात और, विश्वास ही परमात्मा है। विश्वास क्या है, विश्वास ही परमात्मा है, अब विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं है। कपोल कल्पना से भगवान नहीं मिलना, दिखावा से भगवान नहीं मिलना है, दिखावा से कृपा नहीं होनी है,
काऊ जगह अगर हकीकत जगह फंस गए तो लाल हो जाओ, और एक ना एक दिन सबको फंसना है, कहां जम के फांस में, वो लाल कर देंगे मार चमीटा। हाँ, एक बार ऐसे ही एक गांव में एक कथा हो रही थी, तो एक पंडित जी थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, कथा कर रहे थे, बोले ब्राह्मण के मुख में तो गंगा जमुना सरस्वती सब होते हैं। एक घर मांगने गए, उन्होंने कहा महाराज आना है आपको घर, तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा लेना आशीर्वाद देना, ब्राह्मण के पास होता ही क्या आशीर्वाद के अलावा। पहुंच गए ब्राह्मण देवता, बार बार उनकी जीभ से लार गिरे मुंह से, तो वो जो घर की स्त्री थी वो बड़ी परेशान देख देख के बोले महाराज हमने देखा आप कथा में भी गिराते और यहां भी गिरा रहे मुंह से, क्या कारण है? तो ब्राह्मण ज्यादा बुद्धिमान थे, बोले देवी ये कोई गंदगी नहीं है, लार वार नहीं, दरअसल ब्राह्मण के मुख में तो गंगा जमुना सरस्वती होती है, संगम होता संगम का जल गिर रहा है। तो स्त्री बोली महाराज जरा ठहरना, इन्हें लगा बड़ियाई दक्षिणा लेके आएगी मोटी गड्डी 11,000-21,000, अब हो गई तो एक मटका ले आई, महाराज जरा मुंह खोलना। और महाराज ने मुंह खोला, उसने मटके में हाथ डाला और राख थी तो भुरक दी महात्मा के मुंह में, ये क्या कर रही बाबरी? तो बोले महाराज आप ही कह रहे हैं हमारा मुंह तो गंगा जमुना सरस्वती है, पिताजी की अस्थियां रखी, मेरे पास पैसे नहीं थे तो प्रयाग नहीं जा पाई, हमने सोचा गंगा जब घर पे आ गई तो यही विसर्जित कर दो। क्या गड़बड़ है? अब जब गंगा जमुना सरस्वती यही आ गई तो यही विसर्जित करो है? बोलो सीताराम। तो भैया जब हकीकत के चक्कर में पकड़े जाओगे ना तो गड़बड़ होगा। उसी प्रकार यम एक ना एक दिन आएगा ही आएगा, और पकड़े जाओगे तो मार चमीटा जमराज लाल कर देगा। उसके बचने के लिए एक सूत्र है, बोले क्या? विश्वास ही परमात्मा है। विश्वास क्या है? परमात्मा है। राम कथा को लिखा गोस्वामी जी ने, पर लिखवाई भोले बाबा ने, रच महेश निज मानस राखा, है ये भोले बाबा की, पर लिखा गोस्वामी जी ने, शंभु प्रसाद सुमत ही है होलसी राम चरिते मान से कवे तुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी राम चरिते मान से कवे तुलसी, राम चरिते भोले बाबा का प्रसाद है रामचरितमानस। अच्छा एक बार एक आदमी हमसे एक महात्मा से पूछ रहे थे, बोले महाराज रामायण तो हिंदी में है, ग्राम भाषा में है रामायण, देव भाषा में नहीं है, संस्कृत में होनी चाहिए तभी महिमा मानी जाएगी, ग्राम भाषा में महिमा कहां मानी जाए। महात्मा पहुंचे हुए थे, बोले सही कहा तूने, सत्य कहा, रामचरितमानस ग्राम भाषा में है। अरे बेटा ग्राम भाषा में तो है, पर याद रहे रामचरितमानस की कोई साधारण चौपाइयां नहीं है, ये महादेव की भाषा है। रामचरितमानस महादेव की भाषा है। और कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा भारत का जिसे वक्ता कितना भी बड़ा हो पर जब तक वो रामचरितमानस की चौपाइयों से उदाहरण ना दे दे तब तक वक्ता को आनंद नहीं आता और श्रोता को भी आनंद नहीं आता। हर वक्ता रामचरितमानस का जरूर सहारा लेगा। और भारत में ऐसा कोई हिंदू होगा जिसे रामायण की एक दो पंक्ति ना आती हो, कुछ आता हो ना आता हो, ये जरूर गाएगा, मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सहित जही जपत पुरारी सहित जही जपत
अगर ये नहीं आती होगी तो कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जिसे ये चौपाई नहीं आती हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई, जो नहीं होय तात तुम पाई। भैया रामचरित मानस के बिना जीवन अधूरा है। क्या है? जीवन अधूरा है। रामायण आपने पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, सब शून्य है। जिस प्रकार तुलसी दल के बिना ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, आपने देखा होगा ठाकुर जी को भोग लगता तो तुलसी दल लगता, हाँ जी है ना जी। जिस प्रकार तुलसी दल के बिना ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, उसी प्रकार तुलसी की रामचरित मानस के बिना जीवन सुंदर नहीं बनता। तुलसी की रामायण के बिना जीवन व्यवस्थित नहीं होता, जिस प्रकार तुलसी के बिना ठाकुर जी भोग नहीं पाते। इसलिए रामायण की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर मंगलाचरण किया और प्रथम चौपाई रामचरितमानस की सुनिए। बंदाओं गुरु पद पद में पड़ा, स्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो सुरचि हैं, सुंदर हैं, सुस्वाद हैं, सुगंध तथा अनुराग रस से परिपूर्ण है। ऐसे परिपूर्ण परब्रह्म गुरुदेव भगवान के चरणों की मैं वंदना करता हूं। ऐसी दिव्य वंदना पहली चौपाई गुरु जी के लिए लिखी। किसी ने पूछा क्यों गुरुदेव के लिए क्यों लिखी? राम जी की कथा है, राम जी के लिए लिख देते, हनुमान जी के लिए लिख देते। तो बड़ी प्यारी बात कही गोस्वामी जी ने, अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। हम राम जी को नहीं जानते थे, हम तो गुरु जी को जानते थे। गुरु जी ने राम जी को जनवाया तो राम जी से ज्यादा महिमा गुरु जी की हुई। इसलिए गोस्वामी जी कहते बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरिसि अनुरागा। अब बोले हम तो अज्ञानी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हमें तो बिल्कुल ज्ञान नहीं, गायें चराने वाले पत्नी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरति देव दृष्टि होती। हम गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति जो मणियों के समान प्रकाशमान है, उनको हमने वंदन किया, उनको प्रणाम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम रामचरित मानस लिखने के काबिल बने। तुलसीदास जी ने फिर ब्राह्मणों की वंदना की। बंदो प्रथम मही सुर चरण,
जगत गुरु है ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण जगत गुरु है। राम जी भी कहते विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिताज तोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। और बड़े बड़े आचार्य बोलते नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्राह्मणों की वंदना इसलिए की क्योंकि भूदेव हैं, भूमि के देवता हैं ब्राह्मण। दूसरी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की। इसके बाद सत्संग की महिमा कहते गोस्वामी जी, बिनु सतु संग विवेक न होई राम कृपा। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे विवेक की जागृति नहीं होगी। पर सत्संग भी बिना राम जी की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। और राम जी की कृपा ना हो आप कहो कि हम कथा सुनवेंगे, सुनो नहीं सकते भैया। घर से तो चलोगे, चलो कथा सुनिया में बागेश्वर वाले महाराज आए, पर रस्ते में 20 साल पुराना मित्र मिल गया तो लगे सुरती खाने। अरे भैया कैसे हो? बढ़िया है, तुम बताओ कैसे हो? हम ठीक है भैया। अच्छा चलो चाय की हो जाए तो 3 घंटे तब तक निकल गए, आर श्री रामायण जी की हो गई, चले थे कथा को, सुरती और चाय में टाइम बीत गया। बोले क्यों? बोले राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अच्छा एक बात और, धोखे से कथा में आ भी गए तो सुनना बेकार है। क्यों? कई बार सुन नहीं पाते, सुनना मुश्किल हो जाता। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, या ऊंगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप अकलाउ, जोन भीतर बैठे रात श्रीमान पाप बेकाला, भाई साहब कहां बीत गए, चलो घर चलो, कहां फंस गए, राम राम में फंस गए, सीता राम में फंस गए, चलो घर। काऊ को मर्डर करे, काऊ को कत्ल करे, काऊ की चोरी करे, काऊ को गाली बके, पड़ोसी के घरे चाय पीवे, पड़ोसन के घरे चाय पीवे, पर राम कथा में ना बैठे, क्योंकि पाप अकुलाते हैं, वो कथा नहीं सुनने देंगे। कब? कब तक? जब तक राम कृपा बिनु सुलभ। अच्छा कथा में आ भी गए बैठ भी गए तो नींद आने लगेगी। एक हमारी कथा हो रही थी हरियाणा में, एक बड़ा चेला था तो आया करता था, आयो सो जाए, इतना सोए कि अगल बगल बारे हैरान। 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन हमने कही, हमने कहा यजमान जी कथा सुनते हो कि सोते हो? हाथ जोड़ के बोलो गुरु जी तुम्हारी जय हो, कथा बंद ना करियो, 7 दिन नहीं 14 दिन चलन दो। हमने पूछा क्यों? बोले गुरुजी दरअसल हमें बीमारी है, नींद नहीं आती थी पहले,
गोली खाते थे तब भी 10 मिनट की आती थी, पर जब से आपकी कथा सुनू भाई 4 घंटा ऐसी नींद आऊ के ध्यान नहीं रहा। हमने कहा तब तो तुम लगातार कथा ही चलवाओ। हाँ तो बोले क्यों ये महाराज होता क्यों? हमने कहा कथा होत के बीच में पाप उठे अकुला, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में जो पाप है ना ये कथा सुनने नहीं देते। ऐसे ही एक और श्रोता है तो एक जगह कथा भाई तो एक सेठ जी हते भी कथा सुन बे गए घरवाई ने गरिया जाओ कथा सुनो तना धर्म कमा लो। उनकी दुकान थी कपड़ों की, कपड़ा बेचा करते थे। अब पत्नी ने कहा सो कथा सुनने आए, आए सो कथा में बैठ गए और कथा में बैठे सो गए। अच्छा सोए तो बात अलग, सोते सोते सपना देखने लगे कथा में ही, और कथा में सपने में क्या देखें कि हम दुकान पे बैठे कपड़ा बेच रहे। अब बताओ बड़ी बात, एक तो तुम सो रहे ऊपर से सपना देख रहे कपड़ा बेच रहे, माया देखो कितनी प्रबल है, पाप कितना प्रबल है। पाप के बाप का नाम है राम, लेकिन पाप देखो कितना प्रबल। अच्छा महाराज अब जो कथा में बैठे सोने लगे, सोते सोते सपने में देख रहे कि हम दुकान पर बैठे, एक ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा कपड़ा है? बोले है। अब जो सो रहे सपनों में देख रहे बैठे कथा में, ऐना थान निकाली कपड़ा निकाला, बोले बताओ रेड चाहिए कि ब्लैक चाहिए कि येलो चाहिए? तो उसने एक कपड़ा पसंद किया, ग्राहक ने बोला पूछने लगा बताओ कितने रुपया मीटर दिया? बोले 5 का। ग्राहक बोला नहीं हम तो 4.5 में लेंगे। ये बोला नहीं पूरे 5 लगेंगे। अब सपना देख रहे, ग्राहक बोला नहीं 4.5। अब कुल देर हो गई जो चिल्लात रहे, ग्राहक बोला तो नहीं लेना है अब हम जा रहे हैं, रेट ठीक नहीं है हम दूसरी दुकान से लेंगे। सो जाने लगा सो ये सपने में ही चिल्ला के बोले ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, दो हाथ पसार, इन्हें दो ही हाथ उठाए सोते हुए, ले जा 4.5 में दो हाथ पसार और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनो थार। कथा सुना रहे सोते सोते इनके सपने में इन्होंने देखा, बोले 4.5 में ग्राहक ना भग जाए, तो ले जा 4.5 में दो हाथ पसार और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनो थार। तो आगे वाले जो बैठा बोले क्या करे? अरे बोले चुप हो जाओ ग्राहक भग जे है। तो भक्त बोला तुम्हें ग्राहक की परी हो तो कुर्ता फट गाओ, तुम दुकान में भी? अरे बोले तुम्हें कुर्ता की परी होते हमारे ग्राहक भगो जाते। तब बगलवारी ने समझाया आप दुकान पे नहीं हो। बोले फिर बोले कथा सुन रहे, बोले अरे यार। तो कई ऐसे भी श्रोता होते हैं तो भाई कई बार कथा सुनने तो आ जाते हैं पर राम कृपा बिनु सुलभ सो, बिना राम जी की कृपा के कथा का मिल पाना मुश्किल है। गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा बताई, इसके बाद गोस्वामी जी ने संतों को प्रणाम किया। बंदम संते असजन चरना, बंदम दुखे प्रद ओ भैया बीच कै छुबरे ना, दुख प्रद ओ भैया बीच कै छुबरे ना, बंदो सुनकर असज संतों को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने रामायण की पंक्ति के साथ। लेकिन संतों के साथ साथ असंतों को भी प्रणाम किया। किसी ने पूछा महाराज संतन हाँ तो प्रणाम करो लेकिन असंतना का प्रणाम कर रहे? बोले जी खतरनाक हो जी कथा ना पूरी होने दें। जो असंत होते हैं दुष्ट बुद्धि के होते हैं गोस्वामी जी कह रहे हम उन्हें पहले प्रणाम कर रहे बारम्बार। बोले क्यों? बोले 60 आदमी को समझाना बेकार है, 60 आदमी यहां पहले ही प्रणाम कर लो। एक जने बड़ी प्यारी बात बोल रहे थे, बोले
एक आदमी रहता था गांव में, कोई भी कार्यक्रम हो उससे पूछो कैसा हुआ, वो बोलता आज तो सब ठीक है ये गड़बड़ रहा। क्यों? बोले टेंट ठीक नहीं लगा था, बोले साउंड सर्विस ठीक नहीं थी, बोले और तो सब ठीक था पंडित जी ठीक नहीं थे। तो एक ना एक कमी निकालते ही रहता था, गांव वाले बड़े हैरान। एक बुद्धिमान व्यक्ति था, पांचवा छठवा कार्यक्रम हुआ तो उसी को मालिक बना दिया, और मालिक बनाया तो बोले अब जो तुम कहोगे वही करेंगे पर कमी ना रहे। आज जो बताएं सो अच्छा ऐसा कर ले, तो वो जवाब हाँ कर लो, अच्छा ऐसा कर ले हाँ कर लो जवाब। अब कार्यक्रम हुआ तो अब खुद ही ने करवाया, खुद मालिक, पूछा लोगों ने कैसा हुआ कार्यक्रम तो बढ़िया रहा पर एक कमी रह गई। बोले एक तो रह गई, अब आप ही ने करवाया। बोले क्या कमी रह गई? बोले इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था जितना हो गया, जाई कमी रह गई बताओ। हाँ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी आदत होती है पुश करने की। तो गोस्वामी जी कहते भैया बंदो संत असजन चर, संतों के साथ साथ हम असंतों को भी प्रणाम कर रहे हैं बारंबार। क्यों? ताकि ये उपद्रव न मचाएं। जोंक की साधु की उपमा दे रहे हैं आप रामचरितमानस में गोस्वामी जी। संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, जिस प्रकार जोंक की तरह उनके अलग अलग गुण होते हैं। आपने देखा होगा तालाब में कमल और जोंक, जोंक जानते हो? जोंक गांव की भाषा में क्या बोलते हैं उसे? जोंक ही बोलते हैं। हाँ गांव की भाषा में कुछ और बोलते जो लग जाती है तालाबों में, जौकी है। तो कमल और जौक आपने देखा होगा पानी में एक साथ होते हैं, पर दोनों के गुण अलग अलग हैं। कमल के और जौक के दोनों के गुण अलग अलग हैं। कमल को स्पर्श करके आनंद आता है, कोमलता प्राप्त होती है, नाक के पास ले जाने से सुंदर सुगंध प्राप्त होती है, और जौक अगर शरीर में चुभ जाए तो वो खून को पी जाती, पर होती एक ही जगह है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं उपजही एक संग जग माही, जलज जौंक जिनी गुण मिल गाही। दोनों एक ही जगह उत्पन्न होते पर दोनों के गुण अलग अलग होते। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण सील अपारा। एक पिता के चार पुत्र हो, दो पुत्र हो, पर दोनों के गुण अलग अलग। एक पौवा पीरे बारो, एक राम राम जपने वाला होता है। तो कोई पौवा पी रहा, बोले क्या? बोले एक ही पिता के हैं। बोले तो क्या हुआ? पिता के विपरीत गया। ना पीते हैं कई लोग संसार में नाना प्रकार के होते। कई लोग अपने पिता के नाम को बर्बाद कर देते हैं। वो पूर्व जन्म के शत्रु होते जो पुत्र बन करके आते पिता को बर्बाद कर देते, और कुछ ऐसे भी पुत्र होते हैं जो पिता के गड़े हुए नाम को उखाड़ देते हैं। ये लेकिन संभव है भगवत कृपा से। तो गोस्वामी जी संतों को भी प्रणाम कर रहे, असंतों को भी प्रणाम कर रहे, दोनों को जरूरी है। दोनों को जरूरी इसलिए है क्योंकि संतों को प्रणाम करेंगे तो कृपा मिलेगी, असंतों को प्रणाम करेंगे तो ये आफत नहीं करेंगे। सुंदर भाव से गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। वाल्मीकि जी को प्रणाम क्योंकि ये कवीश्वर हैं वाल्मीकि जी। इसके बाद अवधपुरी की वंदना की गोस्वामी जी ने। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सरिकल कलुषिनसा। वही अवधपुरी है जहां हमारे ठाकुर जी श्री राघव जी प्रकट भए। जिन गलियों में हमारे सरकार घूमे, जिन सरयू मैया के किनारे हमारे ठाकुर जी ने लीला की, वही पावन भूमि, पावन नगर अयोध्या धाम है। बोलो अयोध्या धाम की। एक बात बोले, जीवन में जिस जीव को भगवान के चरणों से, भगवान की कथा से, भगवान के धामों से प्रेम नहीं है, उसका जीवन पशु के समान है। किसके समान?
पशु के समान है। हम भोजन करते तो पशु भी भोजन करते, हम सोते तो पशु भी सोते, हमारे बच्चे होते संतति होती तो पशुओं के भी संतति होती, हम अपनी भाषा में बात करते तो पशु भी अपनी भाषा में बात करते, पर हम में और पशुओं में अंतर क्या है? क्या अंतर है? अंतर एक ही है, वो विवेकी नहीं होते, भगवत भजन नहीं कर सकते। हम आप विवेकी होते हैं और ठाकुर की कथा सुन सकते और भजन कर सकते हैं, और जो भगवान की कथा नहीं सुन रहा, भगवत कथा नहीं गा रहा, भगवान नाम नहीं गा रहा, समझ जाओ बिना सींग पूंछ को पशु, ना सींग है इसके ना पूंछ है, बिना सींग पूंछ का पशु है। जो राम जी की कथा को नहीं सुन रहा, राम जी की गाथा को नहीं गा रहा, तो गोस्वामी जी अवध धाम को बारंबार प्रणाम करते हुए राम जी को स्मरण करते, प्रणव पुर नर नार बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। बारंबार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। बड़ी बात तो देखिए, ये वही रामचरितमानस है जिस रामायण में कौवा भी मीठा बोलता है। आपने कौवा को बोलता हुआ देखा? कैसा बोलता है? कर्कश। हाँ जी अना जी, कौवा की वाणी को क्या कहते भैया? कर्कश वाणी, कौवा जैसी टा 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 टाए कर रहा है। कोयल को क्या कहते हैं? मीठी बोली। पर रामायण में देखिए कौवा भी मीठा बोल रहा। कौन? काग भुसुंडी जी। काग भुसुंडी जी मीठा बोल रहे। बोले किसके कारण? बोले जो राम का नाम लेता है उसकी वाणी स्वभाव बस मीठी हो जाती। राम की कथा गाने से काग भुसुंडी जैसे कौवा भी मीठा बोल रहे। रामायण में इसका उत्तर भी दिया। क्या? कर पूजा समेत अनुरागा और मधुर बचन तब बोल्यो कागा। ले भैया, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही। क्या? मधुर बचन तब बोल्यो कागा। आपने कौवा को मीठा बोलते देखा, लेकिन इधर लिख रहे मधुर बचन तब बोल्यो कागा। कौन कौवा मीठा बोलता? जो कौवा राम राम कहेगा वो मीठा ही बोलेगा। तो जब कौवा की कर्कश वाणी राम राम कहने से मधुर हो सकती, तो हम आप तो मानव हैं, हम राम के गीत गाएं तो हमारी क्यों नहीं मधुर हो जाएगी? अब भैया राम राम ना कह पाओ तो महाराज जी का कर ले? कह महाराज जी जबरदस्ती शरबत घोल के धोड़ियों के पिला दे। महाराज जी तो भैया बता सकते हैं, संत बता सकते हैं, व्यास जी बता सकते हैं, महापुरुष बता सकते हैं, पर जपना तो आपको ही पड़ेगा, रटना तो आपको ही पड़ेगा। देखो, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। क्या? श्रद्धा होनी चाहिए मरा कहो यारा। वाल्मीकि जी के इस परिणाम से एक ही चीज निकली। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी की बात, जी का भी प्रसंग है, वाल्मीकि जी को भी प्रणाम कर रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। बोले क्यों? वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए मरा कहो यार। बोले क्यों? उल्टा नाम, उल्टा नाम जपौ जग जाना। के भय तो बसवा।
जब उल्टा नाम लेकर के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो सकते तो हम आप क्या सीधा नाम लेकर के तर नहीं सकते क्या? बोले बिल्कुल तर सकते, पर क्यों नहीं तर रहे महाराज? कई बे राम 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 कह लिया, कुछ नहीं हुआ। तो एक जनों ने जवाब दिया, राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न को। जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। जो एक बार दशरथ कहता उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। दशरथ का मतलब राम जी के श्री पिताजी, दशरथ जी का नाम नहीं। फिर दशरथ का मतलब है दस इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां। इसका रथ बनाकर इस रथ पर अपने मनी राम यानी मन महाराज को बैठा रो और मन के साथ एक बार राम का नाम लो तो उतने में ही कल्याण हो जाएगा। हुआ है किसी का? बोले भैया एक सेठ का बालक था, बड़ा उपद्री, भजन करता नहीं था, पाप करता रहता। कोई कहे बेटा कथा सुनो, राम राम कहो, अरे बोले हो गया, हम नहीं कहेंगे, अलाय बलाय, टाइम बर्बाद करना है कथा सुनना, तीन घंटा चार घंटा बैठे रहो, क्या फायदा है? चार घंटे में क्रिकेट खेलो, चार घंटे में मैच खेलो, आनंद आएगा। ये सब कपोल कल्पना है और हम इन चक्रों में नहीं पड़ते। पिताजी बड़े परेशान। एक दिन पिताजी इसको एक संत के पास ले गए। महाराज हमारा लड़का बड़ा बेकार, राम राम जपता नहीं, सीता राम कहता नहीं, बड़ा परेशान करता है, आप कोई उपाय बता दीजिए। बेटा सीताराम बोलो, महात्मा ने कहा। तो ये बोला, महाराज हम ये ऊटपटांग नाम नहीं लेंगे। साधु ने कहा कि सेठ जी इनको यहीं रख दो हमारे पास। बोले रख देते हैं महाराज। साधु बोले बेटा रहोगे? बोले महाराज रहेंगे तो पर भजन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, आप हमसे सीता जो नाम आपने लिया वो नाम नहीं लिपवाओगे, जो अभी पवित्र नाम लिया वो नाम नहीं लिपवाओगे, हम जब चाहें तब सोएं, जब चाहें तब उठें, इतनी छूट दी जाए तो रहेंगे। महात्मा बोले भाड़ में जाओ रहो। तो अब रहने लगा, अपने मन का करने लगा, जब जागे सो जागे, जब सोबे सो सोबे। महात्मा कहे बेटा सीताराम बोलो। तो ये बोले महात्मा जी तुम ही बोलो, हम ना बोले। महात्मा कहे बेटा राधे श्याम बोलो, तर जाओगे। तो ये हाथ जोड़ के बोले महाराज तुम ही तरो, हमें इतना ही रहने दो। एक दिन महात्मा जंगल लिवा गए, वन में भूख लगी। भोजन करने के पूर्व महात्मा ने मीठी मीठी ठाकुर जी की कथा सुनाई। कथा मीठी मीठी जब सुनाई तो बड़े प्रसन्न भए। वो बालक को थोड़ा अच्छा लगा पर मन फिर उचट गया। महात्मा बोले सीताराम बोलो। महाराज हम नहीं बोलेंगे। महात्मा बोले अच्छा एक बार बोल दो। उसने कहा दोबारा नहीं बोलेंगे, केवल एक बार बोले। हाँ एक बार बोलो। उसने कहा सीताराम। महात्मा बोले बन गया काम। उसने कहा सीताराम। महात्मा बोले बन गया काम, करो जाओ आराम। हाथ जोड़कर वो व्यक्ति बोला महाराज क्या काम बन गया, हमने तो एक ही बार नाम लिया। महात्मा बोले इसका पता अभी नहीं चलेगा। कब? बेटा जब तुम मर जाओगे तब पता लगेगा। सुनो मर जाओ, कोई पूछे कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल चाहते हो तो कह देना जो इसका उचित फल हो वही दे दो। जाओ। घर पहुंचा दिया। कालांतर में वो बालक मर गया। मरा तो यमराज के पास पहुंचा। यमदूतों ने कहा श्रीमान इसने जीवन भर पाप किया, महाराज केवल एक बार सीताराम कहा। यमराज ने कहा भाई हो तो तुम नंबर एक के पापी,
पर एक बार सीताराम कहा बताओ उस नाम के बदले में क्या चाहते। तो ये हाथ जोड़ के ध्यान आ गई, गुरुजी ने कहा था जो इसका उचित फल हो वो दे दो। महाराज जो इसका उचित फल हो आप हमको दे दीजिए, हमें तो पता नहीं कुछ चाहिए नहीं। अब यमराज चक्कर में पड़ गए और सबका तो लेखा जोखा है, कौन पाप का क्या नरक मिलना है, कौन पुण्य का क्या स्वर्ग मिलना है, पर राम नाम एक बार जपने का क्या फल मिलना है इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। सो उस जीवात्मा को पकड़ा, सेठ के बालक को, और भोले बाबा के पास पहुंचे। बोले क्यों भोले बाबा दिन ना रात राम जी का जप करते ये बता देंगे। बाबा इसने एक बार सीताराम कहा इसका फल क्या है। बोले बाबा बोले भाई फल तो हम भी नहीं जानते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा हम भी नहीं जानते। अब बड़ी चिंता हो गई कि एक बार सीताराम नाम कहने का क्या फल दिया जाए। बोले बाबा बोले भाई जिनका नाम है उन्हीं से पूछा जाए। गए श्री राघवेंद्र सरकार साकेत वास में श्री हरि विराजमान थे, वहां गए उस सेठ के बालक को ले गए और पहुंच करके कहा ऐसी ऐसी बात है महाराज, इसने केवल एक बार सीताराम कहा, अब इसका फल क्या दिया जाए, ये बात पे अड़ा है कि जो इसका फल होता हो सो दे दो। भगवान बोले भैया इसका फल तो हमें भी पता नहीं। ले ओ, अब सब चौंक गए कि बताओ भाई जिनका नाम उन्हीं को पता नहीं, फिर तो बिगड़ गया सब काम। और रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा भी राम न सकही नाम गुण गाई कहो कहां लगी करो बड़ाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते, पर राम जी बोले एक बात बताएं, हाँ नाम की महिमा चाहे जो भी हो, इसने एक बार राम सीता राम कहा उसका परिणाम तो देखो, कोई भी जीव डायरेक्ट हमारे पास नहीं आया, परंतु ये ब्रह्मलोक भी हो आया, शिवलोक भी हो आया और हमारे लोक भी हो आ गया, अब यहीं पर रहेगा, यही राम नाम एक बार लेने का फल है। समझ गए? तो देखो भैया एक बार सीताराम कहने का यह फल है, और बार बार अगर हम सीताराम कहेंगे तो कहना क्या, कब हूं तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, कब हूं तो राम जी के कानों में हमारी बात पहुंच जाएगी। इसलिए भजो रे भैया, भैया सीता राम नाम भजलो, हरि नाम जपो, गुरु नाम जपो, गोविंद का नाम जपो, क्योंकि नाम जप ही कैसा है जो आपको तार सकता, सबसे बचा सकता है। इसलिए आप श्री सीता राम जी को जपो, भजो भैया राम सीते, भजो राम सीते। भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, हजारों जन्म जी गए रीत रीते, हजारों जन्म जी गए रीत रीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, हजारों जन्म जी गए रीत रीते, हजारों जन्म जी गए रीत, तर हाथ भाग रहे भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, हरि वो
भैया अनेक जन्म हमारे आपके रीते रीते निकल गए। कैसे निकल गए? रीते रीते निकल गए। अब मौका मिल गया, कथा सुन ली, तो अब सावधान हो जाओ। दोनों हाथ उठा करके कहो, बजो राम सीते, बजो राम सीते, बजो राम सीते, बजो राम। मस्ती में झूमते हरि बोल। तजेंगे तुझे एक दिन तेरे अपने, तजेंगे। सुन लो भैया, एक दिन तेरे अपने। अलग क्यों न होता चले धीरे धीरे, अलग क्यों न होता चले धीरे धीरे। भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। हजारों जन्म जी गए जीत जीते, हजारों जन्म जी गए जीत जीते। भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। दोनों हाथ उठा कर पीछे वाले भी मस्ती में झूमते हुए। हजारों जन्म जी गए रीत रीत,
हजारों जन्म जी गए रीत रीत, इसलिए भैया भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। अनेक जन्म ऐसे ही गुजार दिए, ना नाम जपा ना राम जपा, तो ना इस काम के ना उस काम के, माया मोह में पड़े पड़े बिगड़ गए। महापुरुष कहते भैया भजो राम सीते, भजो राम सीते, क्या जपो, हजारों जन्म जी गए रीत रीत। अब मौका मिल गया, कथा मिल गई, समझ में भी आ गई, असली दर्पण राम कथा है हमारे जीवन का। क्या है दर्पण? अच्छा, तुम दर्पण के सामने खड़े हो, जो होगा वो दिखाएगा, तुम करिया हो, अब तुम सोचो भाई दिखा नहीं तो फोड़ देवी, हम मुक्का मार देवी, चार टुकड़ा कर देवी, तो क्या दर्पण तुम्हारा रूप बदल देगा? नहीं बदलेगा। तुम कहो भाई ब्लैक क्यों दिखा रहे, व्हाइट दिखाओ, फलाने जैसा दिखाओ, उस हीरो जैसा दिखाओ, क्या दिख पाओगे? असंभव, क्योंकि दर्पण वही दिखलाता जो आप होते हैं, उसी प्रकार राम कथा वही बताती जो होना चाहिए। भजो राम सीते, भजो राम सीते। इसलिए भैया अब मौका मिल गया, राम जी के नाम को गा लो, राम जी की कथा को सुन लो, ठाकुर जी के गीत गुनगुना लो। रामायण में पूज्य पाद परम प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी अवधपुरी की वंदना करते, इसके बाद अवधपुरी के बाद नाम महिमा रामायण में बताते। और हमने आपको पहले ही कहा, कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम रसंग नाम गुण गाओ। राम जी के नाम की महिमा स्वयं राम जी नहीं बता सकते। कौन नहीं बता सकता? स्वयं राम जी। हम आप तो बड़ी दूर की बात, ये वही राम जी का पावन चरित्र है, जिनके नाम को दुश्मन भी लेकर के अपना काम बनाते थे। ये रामायण किसी और की नहीं, उन्हीं का पावन सदग्रंथ है कि रावण जैसा आतताई महाशत्रु राम जी का। और महाराज वो भी राम जी के नाम को लेकर के अपनी नाक बचाए रहा। जब राम जी लंका आने लगे और समुद्र के ऊपर पुल बांधने लगे, नल नील के बंदरों को आशीर्वाद था, तो लंका के नगरवासी तो साफ परेशान होते, क्योंकि हनुमान जी पूंछ से आग लगा गए थे, तो साफ बड़े झले धरे थे सब रे, काऊ को मकान भर गए, काऊ के कपड़ा भर गए, तो सब राजा कोस रहे थे कहां से ये उपद्रव कर लिया। लेकिन तब तक वहां के न्यूज चैनल पर खबर चली लंका में, वो जो हमारे स्वामी लंकाधिपति लंकेश के दुश्मन हैं, वो युद्ध करने के लिए आ रहे, वो इतने चमत्कारी हैं कि पानी पर पत्थर तैरा दिए। ब्रेकिंग न्यूज लंका में, ब्रेकिंग न्यूज चली, ब्रेकिंग खबर, तो लंका के सब देखे अपनी अपने जगह, आ रहा रहा। ये तो भैया बहुत खतरनाक है। बोले क्या? अरे देखो
पानी पे पत्थर तैरा रहे। बड़ी विचित्र बात। तो साहब लंका वाले चौंक कर रावण के पास हाथ जोड़ के बोले, रावण बोलो कहां? पूरी सेना बोली अब हम जा रहे। रावण बोला कहां जा रहे? सेना बोली अब बचने नहीं। रावण बोला क्यों नहीं बचने? अरे बोले प्राण बचे से लाखों पाए। मतलब सेना बोली हुजूर एक बंदरा आओ तो एक। उने उलट पलट लंका सब जारी, उलटा पलटा करके पूरी लंका बार दई। बोले अब का? बोले अब ऐसे कम से कम होते बता रहे लाखों बंदरा आ रहे। रावण बोला सो दिक्कत क्या? अरे बोले एक एक राक्षस पर चार चार बंदरा चढ़ जाने, प्राण निकल जाने, बंदर ही बंदर है, बचना किसी को नहीं, इसलिए हम सब अब खाली कर रहे लंका, अब जा रहे हैं। रावण बोला क्यों जा रहे? अरे बोले महाराज बोल, अच्छा बंदर तो बंदर ठीक है, हनुमान जी नल नील और बंदर तो ठीक, उनके जो मुखिया हैं स्वामी श्री रामचंद्र लक्ष्मण दोनों और खतरनाक। रावण बोला क्यों? अरे बोले वो खतरनाक इसलिए कि वो ऐसा मंत्र जानते कि पानी पर पत्थर तैरा देते हैं। रावण बोले जे तो छोटी बात है, जो तो हम भी कर ले। सेना बोली झूठ मत बोलो, आज तक हमने तुम्हारा चमत्कार देखा नहीं है। रावण बोला कल देख लो, हम भी पानी पर पत्थर तैरा देते हैं। अब राक्षस बोले अगर तैरा देता फिर टक्करी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई, फिर क्या दिक्कत है? बोले महाराज कल दिखाओ। रावण तैयार हुआ दूसरे दिन, सब राक्षस जन बच्चे से छोटे छोटे लड़का वारे सब पहुंच गए समुद्र किनारे लंका के अपने तरफ से। रावण ने कहा लाओ पत्थर। तो राक्षस ने सोची कि अगर विरोधी पार्टी ने 5 किलो का पत्थर तैराया तो स्वामी जी को 50 किलो का तैराना चाहिए, तब तो बलवान होंगे, अपनी खबर मजबूत जानी चाहिए विरोधी पक्ष में कि ज्यादा वोट बैंक है इधर। तो राक्षस जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो पहले मूर्ख। तो राक्षस तो 5-5 किलो के पत्थर नहीं, 4-4 राक्षस आधो आधो पहाड़ उठा ले आए, भारी भारी। और रावण ने जब दूर से देखो आ रहा 5-5 किलो के हो तक कौन जुगत बनाए तभी तैर जाए, जो तो डुपड़ जाने। रावण चिंता में बैठो ऐसे हाथ धरे। सेना बोली काय? रावण बोलो मंत्र पढ़ रहे, चुप रहो, मंत्र लगा रहे। सेना बोली लगा लो, पथराए आ गए हैं। रावण बोले चिंता लगा। और रावण पथरा हाँ देखे फिर नीचे देखे, रावण पसीना छूटे के जे कोने को तैरने है, सब डुब पड़ जाने। 2-5 किलो का हो तो नीचे से हरा के हाथ लगा, देखो जो तैरगा जो तैरगा, झूठा चमत्कार दिखा देंगे। जे जे 50 किलो 500 किलो के पत्थर में क्या चमत्कार, हम यहां चप जाने। रावण बैठा। सेना बोली मंत्र पढ़ गए कि दिन भर पढ़ाते रहे हो? रावण बोले तनक और रुको, पानी ले आओ। 2-4 गज में गए पानी ले आए, पिवाओ पानी, पसीना आ, पसीना का आ रहा? बोले मंत्र में गर्मी है, पसीना छूट गया, पसीना पसीना क्यों आए? बोले मंत्र में गर्मी है। अब मार लिया, गर्मी ज्यादा तेज है। रावण बैठा। सेना बोली अब? रावण बोले ले आओ पथरा, धीरे से पथरा आओ। और आओ तो रावण ने हाथ लगाओ, छूछा छा छूछा मंत्र पढ़ो और ढकेल दो। रावण बोले ढकेलो, जान ढकेलो तो भारी बड़ो पथरा जे कौन कछू जाना था, तो डूब पड़ गो, डूब गो, डूब गो। सो सेना बोली है देखो ऊ होगा मंत्र फेल। बोले चलो ऐसा, सब दूसरे विपक्ष की पार्टी में सम्मिलित होंगे, अपनी पार्टी कमजोर है, इसका मुखिया कमजोर है। रावण बोले अब तो नाक ही कट गई। तो रावण ने सिर डाला समुद्र में, हाथ रखा उस पत्थर के ऊपर डूबते डूबते, और कुछ मंत्र बुदबुदाया और महाराज ऐसा चमत्कार हुआ कि वो पत्थर तैर गया। सेना जो अभी तक कुछ और बोल रही थी सब जय जयकार करने लगी, लंकेश लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय, ताली बजाऊं लगी। बोले भैया उतने तो 5 किलो तैरा है, तो देखा 500 किलो का तैरेगा, आने दो हम देखते हैं एक एक बंदर को खा जाएंगे। रावण बोलो जो बढ़िया रहो।
रात भई सो मंदोदरी ने पांव पकड़े, बोले स्वामी हमें पतो है तुम्हारे लो ऐसी कौन शक्ति नहीं है कि जो पत्थर पानी पे तैरा सक। अच्छा बाहर पतो हो ना हो घर भाई है असलियत पतो होता ही है सबकी, कहे कितने पानी में है पत्नी है सबकी पति होती है असलियत, कहे कितने झूठ बोल रहे कितने बाहर कितनों नेतागिरी झाड़ लें भीतर पूरी नेतागिरी निकल जाओ जहां मकान में कमरा में घुसे। हाँ सो घर भाई बता दे दी नेताजी बाह रहे हैं इतने बक बक नहीं शांत रहा। तो धर्म पत्नियों बता दे दी, तो रावण की पत्नी हाथ जोड़ के पांव मीरत भाई बोली स्वामी हमें पता है आपके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं जिससे पत्थर पानी में तैरे, पर आपने ये चमत्कार किया कैसे। रावण बोला सच बात है देवी तूने सच कहा, हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं जिससे हम पानी पर पत्थर तैरा सकें, पर मंदोदरी कहती कि आज तो बड़ी जय जयकार हो रही आपकी, आपने तैरा कैसे दिया। बोले मंदोदरी राक्षस पूरी सेना जब बड़े बड़े पत्थर लेकर के आई तो मुझे बड़ा पसीना आया, शरीर में घबराहट भई, बीपी हाई भाव लो भाव, लेकिन जब पत्थर डाला तो वो डूब गया सो प्राण निकलने जैसे हो गए। फिर स्वामी तैरा कैसे। बोले मंदोदरी जब हमने देखा कि पानी में पत्थर तैर नहीं रहा डूब गया, मंत्र फैल हो गए, हमारी इष्ट शक्ति फैल हो गई, तब हमने मूड़ डाला समुद्र में, सिर को डुबोया और पानी में ही अंदर ही अंदर पत्थर के ऊपर हाथ रखा और कहा कि हे पत्थर तुझे राम की शपथ है मेरी नाक बचाने के लिए तैर जा, तो वो पत्थर तैर गया। तो जिन राम जी के नाम से रावण जैसा दुश्मन भी अपनी नाक बचाता है उनका पावन सदग्रंथ ये श्री रामचरितमानस है, उन्हीं का ये पावन सदग्रंथ, उन्हीं का यह पावन चरित्र श्री रामचरितमानस है। ऐसी पावन गाथा में हम आप सब बैठे हैं। आज तो चूंकि प्रथम दिन था तो मंगलाचरण और भूमिका में ही प्रथम दिवस हो गया, कल हम भोले बाबा की शादी करेंगे तो कल कौन कौन नहीं आएगा दोनों हाथ उठाओ। अच्छा उल्टो आओगे आएगा कौन कौन, जो राम जी के खानदान के हों वे ही भर उठाइयो, रावण के खानदान के मत उठाना। तो कल समय पर आप लोग आ जाएं, 4 बजे ठीक 3:30 बजे आप बैठ जाएं, कल समय पर कथा प्रारंभ हो जाएगी, कल भोले बाबा की शादी होगी, तो कल आप जो है बड़े भाव के साथ कल की कथा भोले बाबा का विवाह महोत्सव सुनेंगे। जितने जैसी भी हमें कौन आउते हैं, जैसी टूटी फटी बने भगवान जैसी सुना दे हैं बना दे हैं, तो हम आप जो है सुना भी जैसी हनुमान जी की इच्छा हुई है बागेश्वर बालाजी की, बाकी ना तो हम पढ़े या ना लिखे ना ऊंटन में ना लादन में, जैसी हनुमान जी पूछ घुमाऊ सो बस बोल दई। एक बात और, कल दरबार भी कल का दरबार भी है 11 बजे से है। जो भक्त बाहर से कितने लोग पहुंच गए अभी, अरे तो फिर बोला ना सर छतारी से कमाई कहा है, तन के आदमी ज्यादा VIP हैं का है? छतारी के आदमी हो सका ज्यादा VIP हो, बाहर के भी खूब भक्त पहुंच गए। तो कल दरबार इसी प्रांगण में यहीं लगना है। हाँ कल इसी प्रांगण, कल एक काम किया जाए दोनों तरफ TV लगवा दी जाए उस तरफ मुंह लगा करके, ताकि सब दिखात रहा है कि वे दिखा रहे कि नहीं, तो और जो पीछे वाले भक्त हैं उनको सुविधा हो जाएगी। तो एक गीत गा करके और राम नाम धुन गा करके वाणी ब्राह्म करके आज की कथा को ब्राह्म करेंगे। कल समय पर हम पुनः चर्चा करने 3:30 बजे आप आ जाइए, 4 बजे से भगवत चर्चा यहीं पर प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट गाते हैं बड़े भाव के साथ, भजले प्राणी सांझ सवेरे, अरे भजले प्राणी सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की, जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की, भजले प्राणी सांझ सवेरे, भजले प्राणी सांझ सवेरे, भजले प्राणी सांझ सवेरे, भजले प्राणी सांझ सवेरे, एक
माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस। पर हाथ उठा करके झूमते हुए हरि बोल, बल पे अंगद जी ने रावण को ललकारा था। लेकर नाम प्रभु का उसने सभा में पैर जमाया था। लेकर नाम प्रभु का उसने सभा में पैर जमाया था। महिमा अपार है प्रभु वर की, प्यारे महिमा अपार है प्रभु वर की, महिमा अपार है प्रभु वर की, और रामचंद्र भगवान की। इस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। शत्रु घेरियो था को, एक एक शत्रु और यो था को, धोया तोड़ा मरोड़ा था। एक एक शत्रु और यो था को, धोया तोड़ा मरोड़ा था। बजरंगी के हृदय बसी थी, बजरंगी के हृदय बसी थी, बजरंगी के हृदय बसी थी, बजरंगी के हृदय बसी थी। मूरत सीता राम के, इस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। इस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की।
कौन सी माला लेना चाहते हैं? छतारी वाले कौन सी माला लेना चाहते हैं? राम राम की लेना चाहते ना, तो पड़ोसी बजाएंगे क्या ताली? पर हाथ उठा कर गए हरी से तुमने भाई मानो तन ये पाया है बड़े भाग से सुन लो भाई मानो तन ये पाया है बड़े भाग से तुमने भाई मानो तन ये पाया है बड़े भाग से तुमने भाई जिसमें प्रभु संदेश पाया है काम करो तुम कोई जिसमें प्रभु संदेश पाया है सब मिल कर जय बोलो प्रभु की सब मिल कर जय बोलो प्रभु की सब मिल कर जय बोलो प्रभु की सब मिल कर जय रामचंद्र भगवान के किस माया में राम ही है वो माया किस काम किस माया में राम ही है वो माया किस पर हाथ उठा कर गए भजले प्राणी साज सवेरे भजले प्राणी साज सवेरे भजले 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 बजले प्राणी साज सवेरे बजले प्राणी साज सवेरे एक माला प्रभु नाम की जिस माला में राम की वो माला किस काम की जिस माला में राम नहीं हो वो माला किस काम की जिस माला में ये गीत सुनकर के कौन कौन गाएगा? एक एक माला कौन कौन करेगा? दोनों हाथ उठा। जो हिंदू हो, सनातनी हो, जो राम जी के प्यार हो, वही उठाना। रावण के खानदान के मत उठा देना, वरना तर जाओगे प्यारे। दोनों हाथ उठा दे। भजले प्राणी साज सवेरे भजले प्राणी साज सवेरे माला हरि नाम के सीताराम हरे राजा राम हरे 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 बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 बोलो राजा राम राजा राम राजा राम बोलो राजा राम राजा राम राजा राम भजले प्राणी साज सवेरे भजले प्राणी साज सवेरे एक माला हरि नाम के जिस माला में राम नहीं है वो
रामचंद्र भगवान की जय। छतारी वाले नगरवासियों की जय। आज के आनंदी की, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की, नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। कल फिर से 3:30 बजे आप पहुंचे, कल पुनः रामचरिता को सुने, कल भोले बाबा का विवाह महोत्सव है, बड़े आनंद के साथ कल समय पर आप पहुंचें। दिन में 11 बजे से बागेश्वर बालाजी का जो दिव्य दरबार है, बालाजी की प्रेरणा से जितने समय तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की अर्जी लग सके, तो कल दरबार लगेगा। और आप ये संपूर्ण कथा संस्कार टीवी चैनल पर अथवा बागेश्वर धाम चैनल पर यूट्यूब में आप डालें बागेश्वर धाम, उस चैनल पर कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए वाणी ब्राह्म आज की आरती श्री सीताराम। बोले बागेश्वर धाम की सदगुरु सन्यासी बाबा की। आइए चलते हैं, हम यजमान परिवार से सविन शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि वो आरती के लिए मंच पर आए। और कल पूज्य हमारा श्री के द्वारा दिव्य बालाजी दरबार सुबह 11 से 1 दो दिवसीय दरबार लगाया जाएगा, जिसमें आप सभी अपनी समस्याएं मानव जीवन की देह दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान के लिए जहां भी पूज्य महाराज श्री की कथा होती है वहां दो दिवसीय दिव्य बालाजी दरबार लगाया जाता है। तो आप सभी अवश्य पधारें, सुबह 11 से 1 दो दिवसीय दरबार लगेगा। और आप चलते हैं श्री राम भगवान रामायण भगवान की आरती की ओर। बोले बागेश्वर धाम की। हरे ओम श्री ज्वाला मालिनी नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओम ओम चंद्रमा मनसोर्जात चक्षो सूर्यो वजायतो श्रोतां द्वादश प्राणिश मुखार्धग्निरजायतो। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। शीश पर क्रीट मुकुट सोहे भरत रिपुदल
दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी, जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी। भजोड़े मन सब माया तोड़ी तोड़ी, भजोड़े मन सब माया तोड़ी तोड़ी। बरस हित युगल नसिया जनक दुलारी की। आरती अमृत बिहारी की, लखनसिया जनक दुलारी की। आरती अमृत बिहारी की, लखनसिया जनक दुलारी की। लखनसिया जनक दुलारी की, लखनसिया जनक दुलारी की। शीतलेतम जगत माता शीतलेतम जगत पिता शीतलेतम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः देव्याय आरती वंदनम हस्तौ प्र